Hello, good day, and welcome to another live stream by Asim Akhari Speeds YouTube channel. Women's Big Bash League 2023. Today is the 38th T20 match between Hobart Hurricanes women versus Sydney Sixers women. Asim Akhari Speaks YouTube channel पर आप सभी दोस्तों को हम करते हैं आई एम से खुश आमदीद कहते हैं वेलकम वेलकम एंड वेलकम मेरे जेंटलमैन एक जिस कोने से भी आपने हमें ज्वाइन कर रखा है आप सभी दोस्तों को वेरी वेरी गुड डे बोला जा रहा है आसिम बुखारी स्पीक्स यूरोप चैनल की जानिब से आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ साथ हैं बिल्कुल आज 38वां मुकाबला खेला जा रहा है विमेंस बिग बैच को लेकर अब आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं आप सभी दोस्तों को वेलकम कहते हैं जुड़ते जाना है आपने हमारे साथ और बनते जाना है हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा वीडियो को लाइक करते जाइए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा क्योंकि हम हैं आप हैं और खेल क्रिकेट है तो यहाँ पर देखना होगा कि टॉस तो जीत लिया गया है और अब देखना होगा कि हुबर्ट हरिकेन्स कितने रन स्कोर बोर्ड पर सजाने में कामयाब रहने वाले हैं हम हैं आप हैं और बिल्कुल खेल क्रिकेट है इट्स टाइम फॉर विमेन क्रिकेट जुड़ते जाना है आपने हमारे साथ बनते जाना है हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा जहां पर हम आप और बिल्कुल विमेंस बिग बैश लीग का जादू चल रहा है थैंक यू सो वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन बिल्कुल खिलाड़ी जो हैं आप सब थोड़ी देर में मैदान का रुख करने वाले हैं कौन सी टीम को आपकी जानिब से सपोर्ट किया जा रहा है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं सिडनी सिक्सर्स या फिर होबार्ट बिल्कुल सिडनी या फिर बैट की टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमें खोल रखा है वहां पर आप अपनी प्रेडिक्शन हमें दे सकते हैं थोड़ी देर में आपके साथ जो टीम है वो भी बनाकर मैं शेयर करने वाला हूं बिल्कुल फैंटेसी 11 के हवाले से आपकी मदद करेंगे खिलाड़ी जो है मैदान का रुख कर रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर देखना होगा कि यहां पर देखना होगा कि स्कोरबोर्ड पर रन्स कितने सजाए जाते हैं वहां पर विराट हरिकेन्स की जानिब से खासतौर पर पहले 6 ओवर्स में तो खिलाड़ी दायरे के अंदर होंगे और वहां पर मैक्सिमम फायदा उठाया जाएगा विराट की जानिब से खिलाड़ियों ने मैदान का रुख कर रखा है और यहां पर शानदार शॉट खेला गया है उठाकर खेला है पहुंचाया है गेंद को बाउंड्री के पार 4 रन के लिए पहला चौका विराट हरिकेन्स के लिए आप तमाम दोस्तों ने वीडियो को लाइक करते जाना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना है कि हम हैं आप हैं और बिल्कुल खेल क्रिकेट है थैंक यू सो वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन यहां पर विमेंस बिग बैश लीग का जादू चलता हुआ विराट हरिकेन्स गेंद बिल्कुल गुटलन थेरिया को वहां पर हिट किया है सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाता हुआ गेंद इट्स अ डॉट डिलीवरी वीडियो को लाइक करना है और जल्दी से 100 लाइक्स मुकम्मल करना होंगे दोस्तों
अनदर डॉट डिलीवरी, स्मिथ गेंदबाजी का मुजाहिरा कर रहे हैं। वेलकम वेलकम एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाइट बॉल, इजाफी रन मिलता हुआ यहां पर अब आज की टीम को। अगली गेंद है, आखिरी गेंद है इनफैक्ट इस ओवर की, और बिल्कुल आखिरी गेंद पे डॉट रहेगी। सो पहले ओवर के खात्मे पर छह बिना किसी नुकसान के क्रीज पर मौजूद हैं ली और स्मिथ, और गेंदबाजी कर रही थी वहां पर स्मिथ, लिंसे स्मिथ जो है गेंदबाजी कर रही थी 28 साल, जबकि वहां पर रायोनी स्मिथ 25 साल बल्लेबाजी के जौहर दिखा रही हैं होबार्ट हरिकेन्स की जानिब से। आप तमाम दोस्त जहां से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कह रहा हूं। जुड़ता जाना है आप सभी दोस्तों ने हमारे साथ, और बनते जाना है हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा। यहाँ पर वुमेन्स बिग बैश लीग का जादू चल रहा है, और बिल्कुल हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, दुनिया के जिस कोने से भी आपने हमें ज्वाइन कर रखा है, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को वेलकम करते हैं। 100 लाइक्स इज द फर्स्ट टारगेट, हम आपके साथ और आप हमारे साथ हैं आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर। अगली गेंद है, लॉरेन चेटल यहां पर आई है, और लीजिए यहां पर बल्ला घुमाया है ली ने, पहुंचाया है गेंद को बाउंड्री के पार, चार रन के लिए। दूसरा ओवर है और ये दूसरा चौका है, बैट हरिकेन्स के बैटर्स की जानिब से। क्या लगता है कि स्कोर बोर्ड पर कितने रन सचाने में कामयाब रहने वाली है बैट की टीम? दुनिया के जिस कोने से भी आप लोगों ने हमें ज्वाइन कर रखा है, एक बार फिर से आप तमामी दोस्तों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद वेलकम कहते हैं। वीडियो को लाइक करते जाना है, 100 लाइक्स मुकम्मल करना दोस्तों हमारा टारगेट है। बिल्कुल गुड लेंथ एरिया को हिट किया है, इट्स अ टॉप डिलीवरी। वुमेन्स बिग बैश लीग मैच नंबर 38 बैट हरिकेन्स और सिडनी सिक्सर्स के माबैन चलता हुआ, कांटे की टक्कर है, कांटे का मुकाबला है। अगली गेंद के लिए यहां पर लॉरेन ने भागना शुरू कर दिया है, सामना कर रही हैं ली, और बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लगा है और पहुंचेगा गेंद बाउंड्री के पार, चार रन के लिए। सुपर का दूसरा चौका है लॉरेन की जानिब से। कमाल की बल्लेबाजी जारी है, ना होगा कि पहले जो दायरे के ओवर है, जो पावर प्ले चल रहा है, कहां तक फायदा उठाती है बैट की टीम। वुमेन्स बिग बैश लीग 2023 लाइव मैच, अगली गेंद है और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ खेलते हुए सिंगल निकालने में कामयाब। दो गेंदे बाकी हैं अभी इस ओवर की, स्मिथ सामना कर रही हैं लॉरेन का, आप कौन सी टीम को यहां पर फेवरेट मान रहे हैं? कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमें खोल रखा है, वहां पर आप अपना हिंदी कमेंट जो है लिख सकते हैं, तो सवाल हो आपका उसको भी आप हमसे जरूर पूछिए, जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान जो सेमीफाइनल खेला जाएगा, कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी फाइनल्स के लिए? ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से कौन सी टीम आगे जाएगी? कमेंट सेक्शन में आपने लिखते जाना है। बिल्कुल अगली गेंद लौट रही है,
अनदर टॉप डिलीवरी। सो इसी के साथ दो ओवर्स का खेल तमाम, 15 बिना किसी नुकसान के हुबर्ट हरिकेन्स ली ने 10 जबकि 4 रन स्मिथ ने बना रखे हैं। और एक ओवर फेंका है और वहां पर 9 रन दिए उन्होंने। आप जहाँ से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमेंट सेक्शन में आप अपनी मौजूदगी का एहसास हमें दिला सकते हैं, वहाँ पर लिखते जाना है आपने। और साथ में ये काइंडली ज़रूर मेंशन किया कीजिए कि आप हमारे साथ कहाँ से जुड़ चुके हैं ताकि हम आपका सिटी स्टेट का नाम भी ले सकें। और बिल्कुल सिडनी वर्सेस हुबर्ट, बिल्कुल तीसरे ओवर का आगाज सिंगल से किया गया है। स्मिथ सामना कर रही हैं, स्ट्राइक को रोटेट किया है ली ने। अगली गेंद है, सॉफ्ट हैंड के साथ खेला है, सिंगल मिलेगा। और बिल्कुल अगली गेंद और एक बार फिर से इट्स अ टॉप डिलीवरी, सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंचा है। लेकिन अब की बार प्रॉपर कनेक्शन हुआ है ली के बल्ले से, निकला हुआ ये तेज धार शॉट है, 4 रन लेकर आया है हुबर्ट हरिकेन्स। और ली के लिए ये तीसरा चौका है इनके बल्ले से, 8 गेंदों में तीसरा चौका, 15 पर जा पहुंची हैं ली। अटैकिंग अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं वहां पर परेशानी जरूर है सिडनी सिक्सर्स की कैप्टन एलिस पेरी, वहाँ पर थोड़ी बहुत परेशान जरूर नजर आ रही है। और अच्छी वापसी है गेंदबाज की जानिब से, स्मिथ एक बार फिर से आ रही है, ली सामना कर रही है, आखिरी गेंद है। टॉप डिलीवरी, सो 3 ओवर्स का खेल तमाम हुआ, 21 बिना किसी नुकसान के हुबर्ट हरिकेन्स। यहाँ पर कौन जीतेगा क्या लगता है? 3 ओवर्स में 21 रन बनाए गए हैं वहां पर हुबर्ट हरिकेन्स की जानिब से, आप कौन सी टीम को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमने खोल रखा है, वहां पर आप अपने कमेंट का इंदिराज करवा सकते हैं। वेलकम वेलकम एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर हम हैं, आप हैं और विमेंस बिग बैश लीग का जादू चल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं बड़ी तेजी के साथ उनको प्रोग्राम में शामिल करता चलूँ मैं। यहाँ पर सौरभ सिंह ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सौरभ आपको वेलकम करते हैं। इश्फाक भट्ट वालेकुम असलम, क्रिक्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है, कहते हैं विमेंस बिग बैश लीग इज़ अ गुड लीग। सौरभ सिंह कहते हैं हैप्पी दिवाली सर जी, बहुत शुक्रिया जी, आपको भी हैप्पी दिवाली। सौरभ सिंह कहते हैं कि मैं सौरभ सिंह राजस्थान भारतपुर से आर्मी ऑफिसर से आपको सुन रहा हूँ, बिल्कुल वेलकम करते हैं आपको। क्रिक्स कहते हैं कि मैंने लाइक दे दिया है आपको। फिफ्थ अंपायर कहते हैं कि मैंने भी ज्वाइन कर लिया है और मैंने भी वीडियो को लाइक कर दिया है, बहुत शुक्रिया। फिफ्थ अंपायर का मानना है कि सिडनी सिक्सर्स ये मुकाबला जीतेंगे, जबकि प्रिंसेस अरीगा लिखती हैं कि हेलो एंड वेलकम टू अनदर लाइव स्ट्रीम बाय आसिफ बुखारी स्पीक्स। विमेंस बिग बैश लीग 2023 के सिलसिले में ये आज मैच चल रहा है, मैच नंबर मैं आपको बताते चलूँ 38 है, 38 है। स्पोर्ट्स क्वीन ने हमें लाहौर पाकिस्तान से ज्वाइन कर लिया है, वेलकम करते हैं आपको स्पोर्ट्स क्वीन। इरफान गुल हमारे साथ बिल्कुल जुड़ चुके हैं,
कोहाट से, बड़ा खूबसूरत एरिया है ये। वालेकुम अस्सलाम। और बिल्कुल दशरथ ठाकुर, आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया है गुजरात से, आपको वेलकम करते हैं। अफरोज आप हमारे साथ हैं और लीजिए यहाँ पर हुआ है कनेक्शन। ये चौथा चौका जो है ली के बल्ले से निकला, लेकिन अंपायर ने वहाँ पर कंफर्म किया दैट नॉट अ बाउंड्री, एलिस पेरी को आना पड़ गया है। सो कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हियर, एलिस पेरी। उषा देवी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और बिल्कुल उसाल टून भी हमारे साथ हैं। अकील अंसारी ने हमें ज्वाइन कर लिया है, अफरोज शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमें कादिर खान ने ज्वाइन कर लिया है, उदेश्वर पासवान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं कादिर खान कहते हैं कि अयोध्या से हूँ, बिल्कुल आपको वेलकम करते हैं। अयोध्या उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली, मुंबई, लाहौर, कोलम्बो, काठमांडू, यहाँ से भी आप लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी दोस्तों को आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर वेलकम, वेलकम एंड वेलकम। 17 दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, मैं जरा मेंशन कर दूं उनको। सब्सक्राइबर नंबर 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 500, 501, 502, 503। आप 17 के 17 करीब करीब बल्कि 19 दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप 19 के 19 दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने पर वेलकम कहता हूं मैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज कौन जीत सकता है, नितिन शर्मा ये सवाल लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं तो देखते हैं कि ओवरऑल कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है, कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं आपको ज़रा वहाँ पर फीडबैक दे दूँ कि दोनों टीम्स जो हैं सिडनी सिक्सर्स और हुबैट 9 मैचेस खेलकर 4 मैचेस जीत रखे हैं सिडनी ने, जबकि 8 में से 3 जीत रखे हैं हुबैट ने। सो वहाँ पर कहीं ना कहीं स्लाइटली पलड़ा ज़रूर भारी नज़र आता है हमें सिडनी सिक्सर्स का। एक अच्छा आगाज़ मिल रहा है यहाँ पर हुबैट की टीम को, फैंटेसी स्पोर्ट टीम आपको भी वेलकम करते हैं। उषा देवी कहते हैं जे बागरी इंडिया से कबड्डी प्लेयर हरियाणा जाट, बिल्कुल उषा देवी मैंने पहचान लिया है आपको, हरियाणा से आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको वेलकम करते हैं। और नितिन शर्मा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, हर रोज़ आपको ड्रीम इलेवन हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बनाकर देते रहते हैं। और बिल्कुल अकील अंसारी को विकेट की तलाश है, कहते हैं कि विकेट चाहिए होगा क्योंकि सिडनी सिक्सर्स को यहाँ पर ये सपोर्ट कर रहे हैं। और अच्छा ओवर एलिस पेरी की जानिब से फेंका गया है, अभी तक आखिरी गेंद आना बाकी है, 5 रन दिए इन्होंने 5 गेंदों पर। 22 लाइक्स दोस्तों हमारे पास आ चुके हैं, 100 लाइक्स मुकम्मल करना ही हमारा पहला टारगेट है। तो सभी दोस्तों ने वीडियो को लाइक करते जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है। यहाँ पर जो सेमीफाइनल खेला जाना है कुछ बात करते हैं आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की। वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त सेमीफाइनल मतवक्के है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान, और उससे भी बड़ा और ख़तरनाक कमाल का मैच होने वाला है न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान। क्या लगता है कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी न्यूजीलैंड और इंडिया में से, कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से। मैं भी आपको अपनी प्रेडिक्शन दूंगा, लेकिन आप लोग भी अपनी अपनी प्रेडिक्शन देते रहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर कहां पर है यहां पर देखिए, आपके लिए टीम हमने आपको बनाकर देते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, उसका लिंक जो है मैं आपको दे रहा हूँ। अगले मैचेस की ड्रीम इलेवन हासिल करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, ठीक है जी। इस पर आपने क्लिक करना है और सीधा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। अकील अंसारी आप का मानना है कि न्यूजीलैंड और इंडिया में से इंडिया ही जीतेगा, चलें ठीक हो गया आपकी प्रेडिक्शन। ओवरऑल प्रेडिक्शन आपने देनी है कि फाइनल कौन सी दो टीमें खेलेंगी, ये आपने बताना है, क्योंकि 4 टीम्स आ चुकी हैं हमारे पास। इंडिया ने जितने भी मैचेस खेले हैं, इंडिया ने वो टॉप क्लास क्रिकेट खेली है, सो इंडिया को होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा, टॉप क्लास क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, सो अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा टीम इंडिया को। इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इस बात में कोई शक नहीं है कि न्यूजीलैंड और इंडिया जब भी आपस में टकराते हैं वहाँ पर बहुत ही करारा मुकाबला देखने को मिलता है।
तो लीजिए यहाँ पर निकल कर खेलने की कोशिश है ली की जानिब से, कदमों का भरपूर इस्तेमाल, उठाकर गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंका है, छक्का, इट्स अ सिक्स, एशले गार्डनर को सैर करवाई है बाउंड्री लाइन की और इंडिया फाइनल में जाएगी, उषा का मानना है। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया कौन जीतेगा इन दोनों में से, कौन टकराएगा वहां पर इंडिया या न्यूजीलैंड के साथ फाइनल्स में, क्या लगता है आपको? लीजिए एक बार फिर से करेक्शन हुआ है, एक बार फिर से गेंद जाएगा बाउंड्री के पार, लेकर आएगा चार रन्स, चाका झड़ दिया है, काफी महंगी साबित होती हुई यहां पर एशले गार्डनर, अपनी बल्लेबाजी करती हैं, बड़ी लाजवाब ऑलराउंडर हैं एलिस पेरी और एशले गार्डनर, टॉप क्लास ऑलराउंडर्स मानी जाती हैं दुनिया भर में। संदीप बागरी कहते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड बीच में होना चाहिए, संदीप बागरी कहते हैं कि फाइनल जो है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान होना चाहिए। एक दोस्त ने ये प्रेडिक्शन कर दी है, इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन है। और अफरोज कहते हैं कि माई इंडिया, बिल्कुल कहते हैं कि इंडिया जो है वो फाइनल्स में जाएगी। संदीप बागरी कहते हैं कि नई टीम को मिलना चाहिए, या बिल्कुल आज तक न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए हैं, भारत ने भी जीत रखा है, ऑस्ट्रेलिया ने भी जीत रखा है, इस सेंस में इनका ये मानना है कि यहाँ पर न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका में से किसी एक को कप मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने, सो आसान नहीं होगा किसी भी टीम को वहाँ पर टफ टाइम आप दे पाए। टीम इंडिया को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं, चारों डिपार्टमेंट्स में नीट एंड क्लीन क्रिकेट खेली गई है। कैप्टेंसी की बात करें, आप बात करें वहाँ पे फील्डिंग की, आप बात करें बॉलिंग की, आप बात करें बैटिंग की, ऑल इज़ वेल की रिपोर्ट है। राजू जॉग दादे कहते हैं कि भाई फाइनल साउथ अफ्रीका और इंडिया पर है, साउथ अफ्रीका जीतेगी। राजू ने यहाँ पर साउथ अफ्रीका को विन करवा दिया है। सुभाष 302 आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुभाष आपको दे दिया है रिप्लाई हमने, वेलकम करते हैं आपको। आखिरी गेंद पर सिंगल, 12 रन आए हैं इस ओवर में, काफ़ी महंगी साबित हुई है वहाँ पर एशले गार्डनर। 5 ओवर्स का खेल तमाम, 42 बिना किसी नुकसान के ह्यूबर्ट हर्रिकेन्स। विपिल कुमार कहते हैं कि भाई कितने रन हो जाएंगे, देखिए अभी तो पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चल रहा है, डॉट बॉल से आगाज़ किया गया है लॉरेन की जानिब से, सो अच्छा एक आइडियल आगाज़ मिल रहा है ह्यूबर्ट हर्रिकेन्स को। लेकिन कहीं ना कहीं पलड़ा जो है इस टूर्नामेंट को मैं देखता हूँ तो वहाँ पर भारी नज़र आता है हमें सिडनी सिक्सर्स का, लेकिन विकेट चाहिए होगी यहाँ पर सिडनी सिक्सर्स को, विकेट चाहिए होगी, अदरवाइज मुश्किल बढ़ती चली जाएंगी सिडनी सिक्सर्स के साथ हर गुजरते लम्हे के साथ। 100 लाइक्स दोस्तों मुकम्मल करना ये हमारा टारगेट है, 33 लाइक्स हमारे पास आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, आपके प्यार और आपकी सपोर्ट हमें हमेशा मिलती रहती है। यहाँ पर 5 दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, सब्सक्राइबर नंबर 4567 and 508, आप 5 दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने पर वेलकम करता हूँ। गेंद हवा में है, उठाकर खेला है स्मिथ ने, फील्डर है नीचे और बिल्कुल यहाँ पर विकेट आ गया है। अभी तस्करा हम कर रहे थे कि आपको विकेट चाहिए होगी, विकेट चाहिए होगी, लीजिए विकेट आ गया यहाँ पर लॉरेन ने कामयाबी दिलाई है। पहले ओवर में 9 रन दिए लेकिन दूसरे ओवर में बहुत नफी थुली गेंदबाजी की, पहली दोनों गेंदें डॉट आई, तीसरी गेंद को उठाकर खेलना चाहती थी स्मिथ और बिल्कुल वहाँ पर मिसक्यूट शॉट, सीधा फील्डर के हाथों में आता हुआ ये गेंद, कोई गलती ना की गई फील्डर की जानिब से, तो पहली कामयाबी। 15 गेंदों का सामना ज़रूर किया और 11 ही रन बना पाए, जबकि एशले गार्डनर ने वहां पर एक लाजवाब कैच लिया है। 5.3 ओवर्स के खात्मे पर 42 पर एक टीम ह्यूबर्ट हर्रिकेन्स। अफरोज शाह कहते हैं जो अच्छा करके खेलेगी वही जीतेगी, प्रॉपर क्रिकेटिंग जवाब दिया है इन्होंने। विपुल कुमार कहते हैं कि 160 की होगा भाई, 160 हो सकता है, 140 तो होना चाहिए, 140 ज़रूर होना चाहिए
और यहाँ पर देखना होगा, रन्स बड़ी तेजी के साथ आ रहे थे, क्या वहां पर कुछ रोक लगती है या नहीं। कैप्टन ऑन द क्रीज विलानी, एलिस विलानी, 34 साल इनकी उम्र है, तजरीबाकार हैं, राइट हैंडेड बैटर एलिस विलानी। सामना कर रही है वहां पर लॉरेन का, और बिल्कुल जाने दिया है कीपर के हाथों में। वेल लेफ्ट, आई मस्ट से 121 मैचेस खेल रखे हैं खिलाड़ी ने, 3304 रन्स हैं औसत है इनकी, 32 की 100 इनका कैरियर बेस्ट है। अब्दुल खतरनाक अंदाज से बल्लेबाज बैटर करती है विलानी, टीम पर्पल टीम पिंक, 56ers versus Hobart Hurricanes। 100 लाइक्स जल्दी से मुकम्मल करना होंगे दोस्तों। यहां पर 6 दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, सब्सक्राइबर नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14। आप 6 के 6 दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने पर वेलकम कहता हूं मैं। 42 लाइक्स हमारे पास आ चुके हैं, हमें चाहिए होंगे 58 लाइक्स कंप्लीट 100 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। आखिरी गेंद सिंगल, और इसी सिंगल के साथ 6 ओवर्स का खेल तमाम, 6 ओवर्स के खात्मे पर 43 पर एक है टीम हुबर्ट हरिकेन्स। उजालटून कहते हैं कि 175 रन्स बन सकते हैं, चलिए वो तो खैर देखना होगा कि 175 तक जा पाती हैं कि नहीं। पहला टारगेट जो है टीम हुबर्ट के लिए वो 140 पर पहुंचना है, 140 के ऊपर जितने भी रन्स बनेंगे वो मेरा मानना है कि बोनस रन्स होंगे। वेलकम वेलकम एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हमारे साथ और हम आपके साथ हैं हुबर्ट ओवल क्रिकेट स्टेडियम से लाइव। वुमेन्स बिग बैश लीग का मैच नंबर 38 ये मैच चल रहा है, यहां पर सिडनी सिक्सर्स के कैप्टन एलिस पेरी, उन्होंने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला कर रखा है, चेजिंग पर जाना पसंद किया है उन्होंने। कृष्णा कुमार आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृष्णा आपने हमें कहां से ज्वाइन कर लिया है, फैंटेसी स्पोर्ट टीम बिल्कुल क्या पूछना चाह रहे हैं आप, हम आपके साथ हैं पूछिए। और एक सवाल मैंने भी आपसे पूछ रखा है कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कौन जाएगा, कौन क्वालिफाई करेगा फाइनल्स के लिए। लास्ले ट्रायन साउथ अफ्रीका से इनका ताल्लुक है, गेंदबाजी में इनको आजमाने की कोशिश कर रही हैं वहां पर एलिस पेरी। 32 मैचेस 15 विकेट्स 6.92 की इकोनॉमी, 32 की इनकी औसत है, 2 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया था, कैरियर बेस्ट है। अब बिल्कुल यहां पर लास्ले ट्रायन सामना कर रही हैं ली, टॉप फ्रेंड्स के साथ खेलते हुए चिप किया है, सिंगल मिलेगा, 30 गेंदों में 30 रन्स, 150 के स्ट्राइक रेट के साथ 30 रन्स बनाए हैं ली ने, इसमें 1 छक्का 4 चौके शामिल हैं। तनवीर अहमद कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जीतेगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ तनवीर, आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, दुनिया के जिस कोने से भी आप हमारे साथ हैं, वेलकम। न्यूजीलैंड जीतेंगे नीरज सिंह का मानना है, बिल्कुल जब जब भी इंडिया और न्यूजीलैंड आपस में टकराते हैं ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे जरूर हो जाता है फैंस का, क्योंकि बहुत ही लाजवाब मुकाबला देखने को मिलता है दोनों टीम्स के दरमियान। मलकीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिंह इन द कॉमेंट सेक्शन, सिंह आपको वेलकम करते हैं हम। 155 रन्स का दावा सिंह की जानिब से कर दिया गया है, सिंह आपने हमें कहां से ज्वाइन कर लिया है। फैंटेसी स्पोर्ट का मानना है कि न्यूजीलैंड फाइनल में जाएगा, इंडिया बाहर जाएगा, चलें ठीक हो गया। कृष्णा का मानना है कि इंडिया ही जीतेगा, क्रेजी इंडियंस लवर्स कहते हैं कि इंडिया ही जीतेगा इस टूर्नामेंट में। बाय द वे इंडिया ने न्यूजीलैंड को डिफीट कर रखा है
2004 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने न्यूजीलैंड को डिफीट किया। एस के सुमेर शेख का मानना है कि 200 रन बन जाने चाहिए आज। चलिए देखते हैं। आप तमाम दोस्तों ने हमें जहां से भी ज्वाइन कर रखा है, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को वेलकम कहता हूं मैं। आप हमारे साथ और हम आपके साथ हैं। 7 ओवर्स का खेल तमाम हो चुका है। 48 पर एक है टीम बैट हरिकेन्स। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है सभी दोस्तों ने। अब आपके साथ और आप हमारे साथ हैं। बिल्कुल, बिलानी ने 6 गेंदों के सामना करते हुए 4 ही रन अभी तक जोड़े हैं। 21 गेंदों का सामना करते हुए 31 रन ली की जानिब से बनाए जा चुके हैं। आप हमारे साथ और हम आपके साथ हैं। जी बिल्कुल, एशले गार्डनर यहाँ पर दूसरी गेंद डॉट पे की गई है एशले गार्डनर की जानिब से। पिलानी सामने कर रही है गार्डनर का। गार्डनर इज अ वेरी फाइन ऑलराउंडर ऑफ द गेम, उठाकर खेला है, गेंद हवा में है, 2 रन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स अ वाइड बॉल, इजाफी रन मिलेगा यहाँ पर बैट हरिकेन्स को। विकेट चाहिए एशले गार्डनर को यहाँ पर, दोस्तों का मानना है। और कृष्णा बंडेले ने यहाँ पर कह दिया है कि कोई नहीं रोक सकता है आप इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने से। दिस इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। हीरा कुमार कुशवाहा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, कहती हैं कि 146 रन बनेंगे। श्याम सुंदर का मानना है कि इंडिया जीतेगा। आंचूलाल भेरवा कहते हैं कि इंडिया ही जीतेगा। बिल्कुल, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही है दोस्तों यहां पर। और बिल्कुल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। कौन जीतेगा इन दो टीम्स में से, जबकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से कौन जीतेगा, कौन करेगा क्वालिफाई इस बार आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन उठाएगा, ये आपने बताना है। माटू मुकेश आप भी हमारे साथ हैं। ये T20 मैच चल रहा है माटू। और राज चौहान कहते हैं कि 160 रन बन जाएंगे आखिरी गेंद पर सिंगल। सो 8 ओवर्स का खेल तमाम। 53 पर एक टीम बैट हरिकेन्स। 5 दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, सब्सक्राइबर नंबर 15, 16, 17, 18, 19। 5 दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने पर वेलकम कहता हूँ। कृष्णा बंडेले कहते हैं कि कोहली इज किंग, और बिल्कुल यहां पर बिग फैन है विराट कोहली के। कौन कौन लिखते जाना है कमेंट सेक्शन में। फैंटेसी स्पोर्ट टीम का मानना है साउथ अफ्रीका नहीं तो न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप जीतेगा। एक प्रेडिक्शन ये भी आ चुकी है हमारे पास एक दोस्त की जानिब से। अपनी अपनी प्रेडिक्शन, अपनी अपनी ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यहाँ पर उठाकर खेला है लैसले ट्रायन के खिलाफ ली ने।
चार्ज संभाला जरूर था लेकिन नो मैंस लैंड पर गिरा है ये गेंद, दो रन आएंगे। बीपीएल मैंस बिल्कुल आईसीसी मैंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद अगली जो लीग आने वाली है ये यही लीग होगी, एक मैच लीग। और बिल्कुल यहां पर फिडल किया है, पहुंचाया है गेंद को बाउंड्री के पार चार रन के लिए। ली यहां पर आज कुछ अलग ही रूप धार के आ चुकी हैं, 25 गेंदें खेली हैं, एक छक्का पांच चौके, 152 का इनका स्ट्राइक रेट है, क्या बात है। फैंटेसी स्पोर्ट टीम 25 कहते हैं सर, इंडिया तो वर्ल्ड कप जीत लिया लेकिन साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप नहीं जीता है, तो उनको वर्ल्ड कप जीतना चाहिए और वो टीम वर्ल्ड कप जीतेगी साउथ अफ्रीका का नहीं। और राज 03 गोल्डन 9898 कहते हैं कि हमारा इंडिया जीतेगा। और कृष्णा कहते हैं कि सबसे बड़ा खिलाड़ी आज के टाइम का फिर विराट कोहली, फाइनल खेलेगा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, क्रिकेट स्पॉट ने भी ये कह दिया है कि संजय का मानना है कि जीतेगा वे जीतेगा इंडिया जीतेगा, ग्रेट हो गया। तो लीजिए यहां पर एक बार फिर से कनेक्शन हुआ है, गेंद एक दो और तीन टिप्पों के साथ बाउंड्री लाइन के पार जा चुकी है चार रन के लिए। ली तो आज कुछ अलग ही कर रही है और ली को देखते देखते विलानी ने भी यहां पर बल्ला अपना घुमाया है, 11 रन आए हैं इस ओवर में, 9 ओवर्स का खेल तमाम हुआ, 64 पर एक है टीम ह्यूबर्ट हरिकेन्स। तनवीर अहमद कहते हैं ये मैच कौन जीतेगा, मेरा ये मानना है कि अगर 150 रन बना जाती है ह्यूबर्ट हरिकेन्स तो फिर आसान नहीं होगा सिडनी सिक्सर्स के लिए इन रन को चेस करना। और संदीप बागरी का मानना है कि नॉकआउट मैचेस में जो टीम प्रेशर को बेहतर अंदाज से टैकल करेगी वही जो है मैच को जीतेगी। यहां पर आप तमाम दोस्तों ने हमें जहां से भी ज्वाइन कर रखा है आप सभी दोस्तों को वेलकम करते हैं, वीडियो को लाइक करना है, 59 लाइक्स दोस्तों हमारे पास आ चुके हैं। और यहां पर एक दोस्त ने पूछा है ई बर्न्स यानी के शैलेंद्रा सिंह एरन बर्न्स का पूछ रहे हैं आप कौन से नंबर पर आते हैं, एलन वन डाउन या टू डाउन ही अमूमी तौर पर आती हैं। बेकमनी यासिर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, कहते हैं कि वर्ल्ड कप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का है बिकॉज दे डोंट रन आफ्टर द रिकॉर्ड्स, बिल्कुल ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं, इस तरह की परफॉर्मेंस वहां पर दिखाई गई है, 91/7 91/7 खिलाड़ी आउट और रन चेज कर लिए, ग्लेन मैक्सवेल ने 201 रन की लाजवाब इनिंग्स खेल डाली, उस बात से साबित होता है कि ऑस्ट्रेलियंस कितने खतरनाक है। और लीजिए यहां पर कनेक्शन हुआ है विलानी के बल्ले से, निकला हुआ ये तेज धार शॉट चार रन लेकर आएगा। प्रियंका का मानना है कि किंग कोहली इज द बेस्ट, पनी मेहरा का मानना है अरे भाई किंग कोहली है जब तक इंडिया विन है, बड़े खिलाड़ी का इंपैक्ट यहां पर एक्सप्लेन किया जा रहा है फनी मेहरा की जानिब से। दोस्तों 65 लाइक्स हमारे पास आ चुके हैं, 35 लाइक्स हमें चाहिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है और वीडियो को लाइक करते जाना है। उठाकर खेला है यहां पर विलानी ने, एक के बाद एक बाउंड्री हासिल करना चाहती थी तो मिसक्यूट शॉट, फील्डर है नीचे, गेंद बिल्कुल फील्डर के हाथों में, विकेट आ गया है, दूसरी कामयाबी सिडनी सिक्सर्स के नाम। विलानी की सूरत में कैप्टन को जाना होगा, बिल्कुल जाना होगा।
तो विकेट आ गया है। यहां पर नौ एशार या तीन ओवर्स के खात्मे पर 69 पर दो टीम ह्यूबर्ट हरिकेन्स ली नाकाबले शिकस्त है, नॉट आउट है, अभी तक क्रीज पर मौजूद हैं। 28 गेंदों में 40 रन बना रखे हैं उन्होंने, जिसमें एक छक्का पांच चौके शामिल हैं। स्ट्राइक रेट है इनका 143 का और बिल्कुल ये पार्टनरशिप यहां पर पनप रही थी। 25 गेंदों में 27 रन दोनों बैटर्स ने जोड़ रखे थे, इस पार्टनरशिप को ब्रेक किया है। I must say that it was a much needed wicket for team Sydney Sixers. दूसरी कामयाबी है और राजू का मानना है कि जरूर जीतेगा भाई, बिल्कुल यहां पर अपनी टीम को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है राजू। सालहीन ने हमें बांग्लादेश से ज्वाइन कर लिया है, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सालहीन आप, आपको वेलकम करते हैं। यहां पर सवाल पूछ रखा है मैंने कि जो चार सेमीफाइनलिस्ट हैं, जिसमें भारत, जिसमें साउथ अफ्रीका, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं, इन चार में से कौन सी दो टीमें फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगी भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान, जबकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच खेला जाएगा, कौन कौन क्वालिफाई करेगा, क्या लगता है न्यूजीलैंड? चले मजीद चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान जो मैच होगा, वहां पर इंडिया चेज करना चाहेंगे या फिर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करेंगे, क्या लगता है आप लोगों को? यहाँ पर बिल्कुल ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपको। उठाकर खेला है यहाँ पर ली ने, दो रन आएंगे। चिरंद्र सिंह यहाँ पर अपनी टीम चांस से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और बाकियों को भी कंफर्म कर रहे हैं कि आप अपनी ही टीम को सपोर्ट कीजिए। देखिए खेल क्रिकेट जो होता है, इसको हमेशा क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पर लेना चाहिए। आखिरी गेंद पर सिंगल, 10 ओवर्स का खेल तमाम, 72 पर दो टीम बैटरी गेंद, क्योंकि बाजी कभी भी पलट सकती है। ये खेल क्रिकेट जो है नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है और मुमकिन को नामुमकिन, इसका जिस दिन दिन होगा वो जीतेगा जरूर। लेकिन गुड लक के साथ साथ आपकी प्रेपरेशंस कितनी हैं, आप कितना डोमिनेट करते हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। फैंटेसी स्पोर्ट टीम कहते हैं सर, इंडिया को न्यूजीलैंड ने 6 बार सेमीफाइनल से हराया है। देखिए स्टैट्स की अगर आप बात करते हैं तो वो मैंने आपको पहले ही गुजारिश की है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि 2004 के बाद इंडिया ने पहली बार नॉकआउट्स जो मुकाबला जाते हैं वहां पर डिफीट किया है न्यूजीलैंड को। 20 साल लग गए, सो इस फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, खास तौर पर इस टीम के सामने, न्यूजीलैंड के सामने, क्योंकि न्यूजीलैंड एक कंप्लीट टीम है, इंडिया एक कंप्लीट टीम है, और जब दोनों एक लेवल की टीमें आपस में टकराती हैं तो फिर वहां पर गुड लक जो है मैटर जरूर करती है। और मेरा ये मानना है कि लक अभी तक इंडिया के साथ चल रही है, उन्होंने जैसी क्रिकेट खेली है वो बहुत ही शानदार क्रिकेट उनकी जानिब से सामने आई है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई है, खिलाड़ी फॉर्म में है, रोहित शर्मा की फॉर्म लग चुकी है, और जब रोहित शर्मा
परफॉर्म करते हैं तो टीम ऑटोमेटिकली परफॉर्म करती है। संजय देव हमारे साथ हैं, कहते हैं कि 150 रन बन जाएंगे इस मैच को लेकर। 150 रन बिल्कुल बन जाने चाहिए क्योंकि विकेट हाथ में हैं और प्रियंका का मानना है कि इंडिया फाइनल में जाएगा। चलिए देखते हैं कि इंडिया फाइनल में जाता है या नहीं, लेकिन इंडिया ने जैसी क्रिकेट खेली है वो ज़रूर मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए सबको। 9 मैचेस खेले, 9 के 9 जीते हैं, ब्रिलियंट। और बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच को लेकर भी डिस्कस करेंगे कुछ। हम क्या लगता है आपको कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच में कौन सी टीम जीतेगी? एक हिंट मैं आपको देता हूँ, साउथ अफ्रीका जो है चेजिंग में वो घबरा जाते हैं, तो टॉस फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच होगा ये देखना होगा। और बिल्कुल यहाँ पर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अगर टॉस जीत लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, मेरा ये मानना है कि 70% वो मैच भी जीतेंगे, लेकिन अगर टॉस वहाँ पर टेम्बा बबूबा जीतते हैं तो मेरा ये मानना है कि 70% साउथ अफ्रीका वो मैच जीतेंगे। तो ये एक फैक्टर है साउथ अफ्रीका के साथ, टॉस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच होगा उसको लेकर। चेजिंग में अगर साउथ अफ्रीका को जाना पड़ गया तो मान लीजिए 70% मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाएंगे। और फैंटेसी स्पोर्ट टीम को कोई ये बात मैं समझा देता हूँ, चलिए मैं ही आपको समझा देता हूँ जो बात मैंने की है। रोहित शर्मा की फॉर्म अच्छी चल रही है, आपने कहा सर तुम बोल रहे हो रोहित शर्मा फॉर्म में, न्यूजीलैंड में वो पितू रोहित क्या करेगा अकेला कोहली को चलना है। देखिए जब 11 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो ये टीम वर्क होता है, लेकिन जब कैप्टन परफॉर्म करता है तो उसका ट्रिगर डाउन इफेक्ट जाता है। इसको साइकोलॉजी में ट्रिगर डाउन इफेक्ट उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है। और जब आपका कैप्टन लीड करता है फ्रंट से परफॉर्म करता है तो वो आपकी टीम का जो जोश का लेवल होता है वो डबल कर देता है। अगर कैप्टन परफॉर्म ना करे, मान लीजिए वो जीरो पर आउट हो जाए, तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली वहाँ पर डिक्लाइन का शिकार हो जाती है, वो डाउन हो जाती है। और अगर मिडल ऑर्डर में जैसे विराट कोहली जैसे बल्लेबाज बड़े बल्लेबाज हैं, इनका इम्पैक्ट होता है हमेशा बाकी खिलाड़ियों पर भी, अगर वो विराट कोहली वहाँ पर फ्लॉप होते हैं तो फिर मान लीजिए बल्लेबाजी ढेर हो जाएगी सारी की सारी। तो इसलिए रोहित शर्मा का चलना न्यूजीलैंड के मैच में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। रोहित वहाँ पर परफॉर्म करेंगे, विराट कोहली वहाँ पर परफॉर्म करेंगे, तो मान लीजिए फिर टीम इंडिया जैसे डगर पर चल रही है, जैसे ट्रैक पर है, वो बिल्कुल वैसे ही ट्रैक पर चलती हुई आपको नज़र आएगी और फिर न्यूजीलैंड से वो मुकाबला जो है आप जीत सकते हैं। लेकिन ये नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वन साइड मैच होगा, वहाँ पर लड़कर ही जीतना होगा क्योंकि सामने न्यूजीलैंड है। और बिल्कुल संदीप भागरी कहते हैं कि 1992 से मेरी फेवरेट टीम साउथ अफ्रीका, ठीक हो गया, कहते हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में साउथ अफ्रीका जीतेगा। चलिए संदीप, जब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा इसी चैनल पर हम वो मैच आपके साथ लेकर आएंगे। आपकी प्रेडिक्शन मैंने नोट कर ली है संदीप, और मैंने भी संदीप आपको अपनी प्रेडिक्शन दे दी है। टॉस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी साउथ अफ्रीका, अगर टॉस जीत जाते हैं टेम्बा बबूमा कैप्टन हैं जो साउथ अफ्रीका के, तो फिर मान लीजिए 70% वो मैच जीतेंगे। पहले बल्लेबाजी करते हुए टारगेट जो वो स्कोरबोर्ड पर सजाएंगे तो आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए वो रन चेज करना, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 रन बना लिए तो रन चेज करने नहीं देगी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को, बहुत मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कहता कि नामुमकिन होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आसान नहीं होगा साउथ अफ्रीका के लिए वो रन चेज करना। लीजिए यहाँ पर करेक्शन हुआ है, गेंद पहुँचा है बाउंड्री के पार 4 रन के लिए। और अगर आप न्यूजीलैंड को हल्के में ले रहे हो, नहीं नहीं मैं हल्के में नहीं ले रहा, यहाँ पर ये 4 टीम जो हैं ये सब बराबर की टीम्स हैं, आप इसमें से आप किसी को भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि ये लड़के आई हैं आगे, आपने देखा है ऊपर नीचे हुई सारी टीम्स, और किसी भी टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते। लास्ट लेट्रॉय ऑन, गेंद हवा में
उठाकर खेला है, लेकिन अब की बार मिसक्यूट शॉट है, फील्डर है नीचे, यहां पर विकेट आ गया है। खतरनाक बैटर ली को जाना होगा। 50 रन जरूर मुकम्मल किए उन्होंने उस चौके के साथ, लेकिन अगली ही गेंद पर ट्रैप हुई है, शिकार हुई है, और बिल्कुल जाना होगा, बिल्कुल जाना होगा। 11.2 ओवर्स के खात्मे पर 85/3 टीम अहिबैट हरिकेन्स। सेल्फ अपडेट, आपने हमें ज्वाइन कर लिया है, सेल्फ अपडेट आपको वेलकम करता हूं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, एक बात मैंने की है कि साउथ अफ्रीका चेजिंग में घबरा जाते हैं, मैं चलिए आपको इसको थोड़ा सा लॉजिकल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। नैदरलैंड से मैच हारी थी साउथ अफ्रीका, याद होगा आपको, इसी टूर्नामेंट में, इसी वर्ल्ड कप में वो चेज करते हुए हारी थी साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान के दरमियान जब मैच था पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, वहाँ पर 271 रन बनाए थे पाकिस्तान ने, याद है आपको। वहाँ पर अंपायर्स कॉल की वजह से साउथ अफ्रीका बाल बाल बच गए थे, अदरवाइज वो अगर आउट हो जाता तो साउथ अफ्रीका वो मैच हार जाते। 271 रन चेज करते हुए परेशान ज़रूर हो गई थी साउथ अफ्रीका की टीम। भारत के खिलाफ जब चेज किया तो वहाँ पर अंडर 100 ऑल आउट हो गए थे साउथ अफ्रीका। सो यहाँ से एक चीज़ वो वाजे हो जाती है, सामने आ जाती है कि साउथ अफ्रीका चेजिंग में घबरा जाते हैं, लेकिन उतने ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं जब वो पहले बल्लेबाजी करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि टॉस जीतते हैं अगर टैम्पा बुमा तो स्ट्रेट अवे पहले बल्लेबाजी करेंगे, और ऑस्ट्रेलियंस अगर टॉस जीतते हैं तो वो भी पहले बल्लेबाजी की तरफ ही जाएंगे, चेजिंग में फंसाने की कोशिश करेंगे ऑस्ट्रेलियंस साउथ अफ्रीकन्स को। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। कैरी, नए आने वाली बल्लेबाज स्ट्रेट अवे अपना खाता खोला है इस डबल के साथ, निकोला कैरी। लास्ट ट्राई ऑन एक बार फिर से आ रही है, यहां पर सिंगल मिलेगा। अजीत मंडाल ने हमें ज्वाइन कर लिया है, कासिम अली हमारे साथ हैं। कासिम और अजीत, आप दोनों दोस्तों को वेलकम करता हूं मैं आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर। 71 लाइक्स दोस्तों हमारे पास आ चुके हैं। और बिल्कुल यहां पर 14 दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइबर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 आप 14 के 14 दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने पर वेलकम कहता हूं मैं। वेलकम वेलकम एंड वेलकम। 71 लाइक्स हमारे पास आ चुके हैं, 29 लाइक्स हमें चाहिए होंगे पहला टारगेट मुकम्मल करने के लिए। पहला टारगेट है क्या, चलिए मैं आपको रिमाइंड करवाता चलता हूं। 100 लाइक्स मुकम्मल करना ये हमारा पहला टारगेट है। आखिरी गेंद पर सिंगल मिलेगा, और इसी सिंगल के साथ 12 ओवर्स का खेल तमाम। 12 ओवर्स के खात्मे पर 90/3 है टीम हुबैट हरिकेन्स। संदीप बागरी कहते हैं वैसे भी मैच एडन गार्डन्स में है, पहली बल्लेबाजी ज्यादा बेहतर रहने वाली है वहां पर, एडन गार्डन्स यानी खूबसूरत ग्राउंड है वो। सूरज कुमार कहते हैं हेलो सर, आई एम सूरज कुमार फ्रॉम चेन्नई। सूरज आपको वेलकम करते हैं। चेन्नई का मौसम कैसा है जरूर हमें आगाह कीजिए। बारह ओवर्स का खेल तमाम, 12 ओवर्स में 100 रन मुकम्मल नहीं कर पाई है हुबैट हरिकेन्स। विकेट जरूर गंवाए हैं इस ओवर में, लेकिन 9 रन आए हैं बावजूद विकेट गंवाने के। अड़तालीस गेंदें बाकी हैं, और सेल्फ अपडेट कहते हैं हेलो सर, आई एम अविनाश फ्रॉम बिहार। बिल्कुल बिहार से अविनाश ने हमें ज्वाइन कर लिया है, अविनाश आपको वेलकम करते हैं। बिहार की वेदर अपडेट आपने हमें जरूर देनी है, वहां पर मौसम कैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, आपकी सपोर्ट हमें मिल रही है सब्सक्राइबर्स की सूरत में और वीडियो को लाइक्स की सूरत में, थैंक यू। ग्राहम सामना कर रही हैं वहां पर एशले गार्डनर का, एशले गार्डनर अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर रन पहुंची हैं।
सत्या प्रकाश सिंह आपने हमें ज्वाइन कर लिया है। सत्या प्रकाश सिंह आपको वेलकम करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर शॉट डिलीवरी है, अच्छी गेंदबाजी अभी तक की गई, लेकिन कैरी ने एक नहीं चलने दी। आपकी बात कनेक्शन जरूर किया है, मिसफील्डिंग है और गेंद पहुंचेगा बाउंड्री के पार चार रन के लिए। कुछ प्रेशर जरूर बन रहा था, लेकिन मिसफील्डिंग अगर आप करेंगे तो वहां पर बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। चार रन मिले हैं कैरी को और कैरी को ये टारगेट सौंपा गया है कि आप जाइए वहां पर और जाके अटैक कीजिए। एशली गार्डनर नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आती हैं। ये पिंच हिटर हैं जगदीश झारखंड से, आपको वेलकम करते हैं और बिल्कुल अच्छी वापसी है गार्डनर की जानिब से। एशली गार्डनर आपको पता है ये पिंच हिटर हैं, छक्के चौके खूब लगा सकती हैं। बिल्कुल यहां पर कैरी ने यहां उठाकर खेला है, लेकिन गेंद तो वहीं पे पड़ा है। लीजिए डंडे उखाड़ फेंके हैं, पेल्स उखाड़ फेंकी हैं, क्लीन बॉल्ड क्रॉसिंग वे में खेलना चाहती थी और बिल्कुल कामयाबी मिली है वहां पर गार्डनर को, क्लीन बॉल्ड कर दिया है। 13 ओवर्स का खेल तमाम, 96 पर चार टीम टू बैट हरिकेन्स। हम आपके साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर ओवल हुबैट क्रिकेट स्टेडियम से। संदीप बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी कमेंट्री को पसंद फरमाने के लिए। सेल्फ अपडेट कहते हैं कॉन्ग्रेट्स एशली गार्डनर। यहां पर 13 ओवर्स में 96 पर चार बैट हरिकेन्स, 42 गेंदे अभी बाकी हैं। इन 42 गेंदों में क्या 60 रन बन सकते हैं? तत्या प्रकाश छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौदहवें ओवर का खेल जारी, ग्राहम ने सॉफ्ट हैंड्स के साथ चिप किया है और बिल्कुल स्टेलनबर्ग के पास स्ट्राइक आ गया। नई आने वाली बैटर स्टेलनबर्ग,
चौथवें ओवर का खेल जारी और लीजिए यहां पर कनेक्शन हुआ है, पहुंचाया है गेंद को बाउंड्री के पार, चार रन के लिए स्टेलन बर्ग ने ब्राउन को सैर करवाई है बाउंड्री लाइन की। पहला चौका स्टेलन बर्ग के बल्ले से निकलता हुआ, और सेल्फ अपडेट कहते हैं नाइस कमेंट्री, बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका बॉलिंग जिसकी अच्छी होगी वही जीत पाएगा, अप्रोच यहां पर लिखते हैं। बिल्कुल अगली गेंद डॉट है, अच्छी वापसी है ब्राउन की जानिब से, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि आप ये पूछना चाह रहे हैं फैंटेसी सपोर्ट, ये जो आप लिखा है पैटर्न्स कितने ओवर डालेगा, ओवर बैटिंग कहां पर करेगा, मेरा ख्याल है कि आप पूछना चाह रहे हैं केट पैटर्सन के बारे में, नॉट पैटर्न्स। केट पैटर्सन जो हैं उनसे गेंदबाजी नहीं करवाई गई है सिडनी सिक्सर्स के कैप्टन एलिस पेरी की जानिब से, और देखना होगा बैटिंग मानना है कि नंबर चार पर वो बल्लेबाजी अमूमी तौर पर करने आती हैं, आज किस नंबर पर बल्लेबाजी करने आती हैं ये देखना होगा। 14 ओवर्स का खेल तमाम हुआ, 101 पर चार टीमें को बैट, 14वें ओवर में 100 रन मुकम्मल कर लिए गए हैं। छत्तीस गेंदों में क्या 50 रन आ रहे हैं या नहीं, इंडिया और अफ्रीका का फाइनल होगा, इंडिया जीतेगा फाइनल, मसूद कलीम ने यहां पर अपनी प्रेडिक्शन दे दी है। और बिल्कुल पंद्रहवें ओवर का खेल जारी, लॉरेन और केट पैटर्सन बिल्कुल एक ओवर उन्होंने फेंका है, 8 रन दिए थे उस ओवर में। यहां पर पैरी ने आज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बॉलर्स का इस्तेमाल किया है, एक्चुअली विकेट नहीं आ रहा था तो कुछ टाइमर को भी लेकर आई हैं, तो चलिए देखते हैं। यहां पर बाय द वे कनेक्शन जरूर हुआ है लॉरेन के खिलाफ, चार संभाला गया है ग्राहम की जानिब से, पहुंचाया है गेंद को बाउंड्री के पार, चार रन के लिए चौका जड़ दिया है। यहां पर 6 दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें सपोर्ट किया है, सब्सक्राइबर नंबर 29, 30, 31, 32, 33, 34 आप 6 के 6 दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने पर वेलकम कहता हूं मैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 86 लाइक्स हमारे पास आ चुके हैं, 14 लाइक्स आना बाकी हैं 100 लाइक्स मुकम्मल करने के लिए।
बिल्कुल अगली गेंद डॉट रहेगी, स्टेलनबर्ग सामना कर रहे हैं वहां पर लॉरेन का, गुडलैंथ एरिया को पिच किया जा रहा है और बिल्कुल कहीं ना कहीं यहां पर किनारा लग सकता था, सो जाने दिया है इसको विकेट कीपर के हाथों में। मैं कहता हूं, मैं समझता हूं कि इट्स काइंड ऑफ वेल लेफ्ट। अगली गेंद है, आखिरी गेंद है, स्टेलनबर्ग सामना कर रही है लॉरेन का। लॉरेन एक बार फिर से भागना शुरू किया है, एम्पायर को क्रॉस कर रहे हैं, बॉल फेंका है और बिल्कुल उठाकर खेल दिया है स्टेलनबर्ग ने। गेंद हवा में है, मिसक्यूट शॉट है, फील्डर है नीचे और लीजिए यहां पर कैच, जाना होगा स्टेलनबर्ग को, बिल्कुल जाना होगा, चाहते ना चाहते हुए अपना विकेट गंवा दिया, क्योंकि यही रोल सौंपा गया था कि वहां पर आपने अटैक करना है, लेकिन ये महंगा पड़ गया स्टेलनबर्ग और ह्यूबर्ट हरिकेन्स को महंगा पड़ गया ये अटैक विकेट की सूरत में। कामयाबी समेटी है वहां पर लॉरेन ने, 15 ओवर्स का खेल तमाम, 106 पर 5 टीम ह्यूबर्ट हरिकेन्स। 30 गेंदें बाकी हैं, इन 30 गेंदों पर कितने रन आ सकते हैं ये आपने हमें आगाह करना है, ये बताना है आपने कमेंट सेक्शन में। और फैंटेसी सपोर्ट कहते हैं सर मां कसम कमेंट्री बहुत अच्छी है तुम्हारी, बहुत शुक्रिया फैंटेसी सपोर्ट टीम, थैंक यू सो वेरी मच। संदीप प्राजापाती कहते हैं गुड आफ्टरनून संदीप, कहां से आपने हमें ज्वाइन कर लिया है। कौन सी टीम तो यहां पर आज आप फिन करवा रहे हैं, ह्यूबर्ट हरिकेन्स या फिर सिडनी सिक्सर्स, कौन जीतेगा, सेंस को इस्तेमाल कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। बिल्कुल स्मिथ अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर आ चुकी हैं, सामना कर रही हैं जॉनस्टन। सिंगल निकालने में कामयाब। अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आ रही है, अगर आपको हमारी ट्रांसमिशन अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। और बिल्कुल यहां पर बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन हुआ है, यहां पर फील्डर चेज करने की कोशिश कर रहे हैं और देखना होगा कि वहां पर कंफर्म करेंगे थर्ड अंपायर वेदर इट इज 4 or 6। और बिल्कुल यहां पर आखिरी फैसला अंपायर का यही है कि इट्स अ 6, छक्का झड़ दिया है ग्राहम ने, 5 needed 6 फॉर ह्यूबर्ट हरिकेन्स। अगली गेंद पर चिप किया है सॉफ्ट हैंड्स के साथ, सिंगल निकालने में कामयाब। स्ट्राइक वापस जॉनसन के पास आ चुका है, 2-2 go, दो गेंदें बाकी हैं। कालहिन कहते हैं कि बहुत दिन के बाद बुखारी सर की नॉन स्टॉप कमेंट्री, लग रहा है लाजवाब, बहुत शुक्रिया सालहिन, थैंक यू सो वेरी मच। आखिरी गेंद है, ग्राहम सामना कर रही हैं। और बिल्कुल स्मिथ एक बार फिर से भागना शुरू किया है, ग्राहम सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 16 गेंदों में 20 रन बना जरूर चुकी हैं, एक छक्का एक चौका इनके बल्ले से आ चुका है और गुड लेंथ एरिया, फेंका हुई बॉल है फ्रंट फुट पर, डिफेंड कर दिया है लेकिन हाथों ही हाथों से सिंगल निकालने में कामयाब। इसी के साथ 16 ओवर्स का खेल तमाम, 117 पर 5 टीम ह्यूबर्ट हरिकेन्स। चौबीस गेंदें बाकी हैं, इन 24 गेंदों में कितने रन आ रहे हैं ये देखना होगा,
24 गेंदों पे कितने रन आएंगे? आपको क्या लगता है कि 117 रन बना लिए गए हैं, तो इन 24 गेंदों पे क्या 35 रन आ सकते हैं? अगर 35 रन आए तो 152 रन बनेंगे और 153 का टारगेट होगा। आपकी क्रिकेटिंग सेंस आपको क्या कहती है? बिल्कुल 24 गेंदे बाकी, 24 गेंदों पर देखना होगा क्या 35 रन आ रहे हैं, क्या 32 आ रहे हैं, क्या 40 रन आ रहे हैं, ये तो खैर देखना पड़ेगा। लीजिए कनेक्शन हुआ है और ब्राउन को सैर करवाई है वहां पर ग्रैहम ने 4 रन के लिए, चौका जड़ दिया है। पहली गेंद पर चौका, 121 पर जा पहुंची है बैट हरी गेंद, 18 गेंदों में 25 रन राहम के बल्ले से आ चुके हैं। अगली गेंद पर सिंगल निकाल कर जॉनसन को स्ट्राइक दिया गया है, अटैक पर अटैक किया जा रहा है। और बिल्कुल अगली गेंद है, सिंगल मिलेगा। यहां पर 21 गेंदें अभी बाकी हैं, इन 21 गेंदों में मान लीजिए कि 27 रन भी आते हैं तो 150 रन हो जाएंगे। सो आगाज में, स्टार्ट में विकेट्स अगर मिल जाते तो रन्स मेरा मानना है कि 130-135 के करीब ही जा पाते, लेकिन तारीफ करना होगी ह्यूबर्ट हरिकेन्स की, यहां पर गेंद हवा में ग्राहम ने उठाकर जरूर खेला था, लेकिन नो मैन्स लैंड पर गिरेगा ये गेंद, सिंगल मिलेगा। अच्छा ओवर अभी तक फेंका गया, पहली गेंद पर जब गेंदबाज को चौका लग जाता है बाजू का वापसी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहां पर अच्छी वापसी है गेंदबाज की। पहली गेंद पर 4 रन दिए जबकि अगली 4 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 3 रन दिए हैं। बिल्कुल जॉनस्टन रिकवर करना चाहती हैं, उठाकर खेला है और बिल्कुल फील्डर नीचे हैं। लीजिए एक और विकेट, जाना होगा जॉनस्टन को, बिल्कुल जाना होगा, जॉनस्टन इज गॉन। 17 ओवर्स का खेल तमाम, 124 पर 6 टीम ह्यूबर्ट हरिकेन्स, छठा विकेट गिर चुका है, 18 गेंदें आना बाकी हैं। खतरनाक ग्राहम अभी तक क्रीज पर मौजूद है, 128 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 27 रन जोड़ रखे हैं 21 गेंद को सामना करते हुए, जिसमें एक छक्का दो चौके शामिल हैं। यहां पर 5 दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइबर नंबर 35, 36, 37, 38, 39। आप 5 दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने पर वेलकम करता हूं मैं। मेंस बिग बैच कब स्टार्ट होगा आसिफ भाई? ये वर्ल्ड कप के बाद स्टार्ट होगा, ओवर का आगाज सिंगल से किया गया है।
सिल्वर होम्स जो बैटर हैं, स्ट्रेट अवे उन्होंने अपना खाता खोला है सिंगल के साथ। 100 लाइक्स मुकम्मल हो चुके हैं दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों की सपोर्ट, आप सभी दोस्तों के प्यार के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। अगला टारगेट भी मैं आपको बता दूं, 200 लाइक्स इज द नेक्स्ट टारगेट। बहुत दिन बाद आपका कमेंट्री सुनकर अच्छा लगा, शवेंद्रा श्रीवास्तवा, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवास्तवा जी, आपको वेलकम करते हैं। तीन गेंदों में तीन सिंगल्स आए हैं, यहां पर बाउंड्रीज रिक्वायर्ड हैं। मैंने आपको बताया है कि बीबीएल जो है वर्ल्ड कप के बाद शुरू होने वाला है। सो टॉट डिलीवरी एशली गार्डनर यहां पर अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं। दो गेंदे इनके कोटा का, ये चौथा ओवर है, आखिरी ओवर है, दो गेंदे आना बाकी हैं। अनदर डॉट डिलीवरी ऑफ द ओवर, कमाल गेंदबाजी, लाजवाब ओवर फेंका जा रहा है गार्डनर की जानिब से। आखिरी गेंद पर सिंगल, चार रन दिए हैं इस ओवर में, पिछले ओवर में सात रन आए, इस ओवर में चार, यानी कि दो ओवर्स में, यानी कि आप कह सकते हैं कि 12 गेंदों में 11 ही रन आए हैं। तारीफ करना होगी गेंदबाजों की, 18 ओवर्स का खेल तमाम, 128 पर 6 टीम बैट हरिकेन्स, तो लग रहा था कि 150 तक आसानी के साथ आप जा पाएंगे, वो वहां पर रोक दिया गया है कहीं ना कहीं सिडनी सिक्सर्स की जानिब से। 145 आ रहे हैं रन्स या नहीं, थैंक यू सो वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। उन्नीसवें ओवर का आगाज डॉट बॉल से किया है, बिल्कुल ग्राहम डॉट डिलीवरी ऑफ द ओवर, ये दूसरी डॉट गेंद फेंकी गई है इस ओवर में। ग्राहम बिल्कुल हिटिंग करना चाहती हैं, दो रन मिलेंगे। और बिल्कुल बहुत लंबे टाइम के बाद यहां पर बाउंड्री मिली है, चार रन, ग्राहम फाइनली कनेक्शन करने में कामयाब रही हैं।
बिल्कुल श्रीलंका जो है मिस बिहेवियर और मिसकंडक्ट की वजह से ये किया गया है। और कुछ परफॉर्मेंस भी उस तरह की नहीं रही है श्रीलंका की। आखिरी गेंद पर सिंगल और इस सिंगल के साथ 19 ओवर्स का खेल तमाम 136 पर 6 टीम हुए बैट हरिकेन्स। अब 6 गेंदें बाकी हैं, 136 रन बना पाई है बैट हरिकेन्स, 145 बन पाएंगे नहीं, एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि 150 आसानी के साथ बनेंगे। लीजिए चलती पर तेल का काम, ग्राहम को यहां पर ठिकाने लगा दिया है स्मिथ ने, विकेट आ गया है, बिल्कुल विकेट आया है। और वो जो रन्स कहीं ना कहीं आगाज में बहुत तेजी के साथ लीक हुए, आखिरी जो ओवर है डेथ ओवर्स, डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी फेंकी गई है यहां पर सिडनी सिक्सर्स के गेंदबाजों की जानिब से, रोक लगा के रख दी है वहां पर रन्स को। मलिक साजिद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कहते हैं कौन जीतेगा, जितने सिक्सर्स का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है क्योंकि रन्स की तादाद जो है कुछ उस तरह से नहीं बनाई गई है, बैटिंग में डेप्थ मौजूद है सिक्सर्स के पास। गेंद पर सिंगल, 137 तीन गेंदें बाकी हैं। कैच ब्राउन ने लिया है और मॉली श्रारानो नई बैटर हैं, दो गेंदें बाकी हैं और अच्छी वापसी की है यहां पर सिडनी सिक्सर्स ने, आखिर के जो चार ओवर्स फेंके हैं वहां पर बिल्कुल अलाउ नहीं किया है रन्स के खिलाफ बनाए जाएं, सो तारीफ करना होगी। दो गेंदें बाकी हैं, दो गेंदों में एक छक्का आएगा या नहीं आएगा, छक्के की तो मुझे पता नहीं है लेकिन सिंगल जरूर आ रही है। आखिरी गेंद है, तो लीजिए रन आउट की सूरत में एक और विकेट, 139 पर लपेट के रख दिया है, मैंने कहा था 140, 139 बने हैं, 150 आपके पास आसानी से बन सकते थे लेकिन आपने वहां पर कैरी नहीं किया मोमेंटम को और 30 ओवर का खेल तमाम हुआ 139 पर 8। यूं हदफ जो दिया गया है, जो टारगेट दिया गया है वो है 140 रन्स का। सवाल ये पैदा होता है कि 140 रन्स अब क्या आप चेस कर पाएंगे या नहीं, सिडनी सिक्सर्स के लिए परेशानी होनी नहीं चाहिए, 120 गेंदों में 140 रन्स, एलिस पेरी सुजी बेट्स जैसी वहां पर लाजवाब बैटर्स मौजूद हैं, एशले गार्डनर वहां पर मौजूद हैं, तो आई डोंट थिंक सो दैट इट्स गोना बी अ टफ चेस फॉर सिडनी सिक्सर्स। एनीवेज खेल क्रिकेट है, इसमें कुछ भी मुमकिन है और ख़ासतौर पर विमेन क्रिकेट में 140 रन्स बाज़ूकात इजी नहीं होता है चेज़ करना। आप का क्या मानना है कि ये मुकाबला कौन जीतेगा, सिडनी सिक्सर्स या फिर
the Bad Hurricanes. What do you think, ladies and gentlemen? टारगेट 140 है, क्या 140 रन्स चेस किए जाएंगे वहां पर सिडनी सिक्सर्स की जानिब से, या फिर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है आपको? सेक्शन आप लोगों के लिए हमने खोल रखा है और वहां पर आप अपने अपने प्रेडिक्शन का इंदिराज करवा सकते हैं।
जी बिल्कुल जनाब, वेलकम बैक आपको कहते हैं। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त जो मैच चल रहा है, और अब यहाँ पर देखना है कि जवाबी वार कैसा रहता है। वर्ल्ड कप के चर्चे ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर बिग बैश जो है कुछ अपना अलग से ही रंग जमाए बैठी है। छक्का लगाया गया है ज़रूर पहले ओवर में, और पैरी जो है पैरी कमाल की बैटर हैं, और जो हदफ है ज़्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है। 120 जो है 140 का जो टारगेट है, अगर ये थोड़ा सा और ज़्यादा भी होता तो डेफिनेटली जो है एलिस पैरी स्कोर बनाने की सलाहियत ज़रूर रखती हैं। इस वक्त दूसरे ओवर का खेल जारी है, और इस्माइल जो है वो गेंदबाजी कर रही हैं। शबनम इस्माइल 35 साल इनकी उम्र है, और राइट आर्म फास्ट मीडियम के गेंदबाज हैं। और बिल्कुल साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ है। शक्ला बॉल जो है वो बिल्कुल टॉप आया है। आप तमामी लोगों का आसिफ बारी स्पीक्स यूरोप चैनल पर आपका अपना मेज़बान आसिफ बारी क्रिकेट कमेंटेटर कहता है खुश आमदीद। बिल्कुल कमेंट करते जाइए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है आपने। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, कमेंट ज़रूर कीजिए। एंड ऑफ द ओवर नंबर टू, दूसरे ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, और रन की तादाद है यहाँ पर 14। तो दिस इज मी और वेरी ओन क्रिकेट कमेंटेटर आसिफ बुखारी, एंड यू आर वॉचिंग आसिफ बुखारी स्पीच यूट्यूब चैनल, योर फेवरेट स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। क्रिकेट स्पॉट कहते हैं, ग्राउंड ओपन नहीं कर रही, क्योंकि ग्राउंड और पैरी ही बतौर ओपनर जो है वो यहाँ पर आई हैं, और मजीद 126 रन दरकार हैं। 108 आपके ख्याल में इन 108 के 126 रन बन जाते हैं या फिर नहीं बन जाते, यस नो ज़रूर लिखिए। और ये भी आपने बताना है कि एलिस पैरी जो है वो कितने रन्स बनाते हैं। ठीक है जी, चलें लेट्स प्ले अ गेम। एलिस पैरी जो है वो कितने रन्स बनाती हैं? तो मेरे ख्याल में यहाँ पर अगर मैं आपको डिफरेंट ऑप्शन देता हूँ, बल्कि ऑप्शन इसमें है नहीं, आप खुद ही डायरेक्ट जो है वो बताइए। तो मेरे ख्याल में पैरी जो हैं ये 45 प्लस रन ज़रूर बनाएंगे। ठीक है जी, आप भी बताइए कि पैरी जो है वो कितने रन बनाएंगे। यहाँ पर अगला बॉल है, एक दफ़ा फिर अगला ओवर देखते हैं कि बॉलिंग में कुछ बदलाव आता है या फिर वही बॉलर जो है आजमाई जाती हैं। यहाँ पर फैंटेसी कहती हैं कि फैंटेसी स्पोर्ट टीम कहते हैं कि 70 रन बनाएंगे, 65 रन बनाएंगे। ठीक हो गया, ओके ओके ठीक है। वीडियो को यार आपने शेयर ज़रूर करना है मतलब ग्रुप्स में जो कि उर्दू कमेंट्री हिंदी कमेंट्री सुनना चाहते हैं, जो लोग पसंद करते हैं। तनवीर अहमद कहते हैं कि 45, और यहाँ पर लेग बाय की सूरत में 2 रन का इजाफा ज़रूर है। सो टोटल मूव्स ऑन टू 16 विदाउट लूजिंग एनी विकेट। प्रीत चौधरी कहते हैं 25 लास्ट खारी रिटर्न। सलहीन कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? प्रीत चौधरी कहते हैं 25 लास्ट 25 पर, ओके ठीक है जी। पैरी रन्स कितने बनाएंगे, ये सवाल हमने जो है वो आप लोगों से पूछ लिया है, और जल्दी से आ जाएं। चले देखते हैं कि किस भाई का जो है वो जवाब ठीक रहता है। सब लोग जो हैं वो लाइक कर दें। सलहीन इस्तदा कर रहे हैं अपने तमाम देखने वालों को, और वेलकम करते हैं आपको। मौसम जो है बहुत ही दिलकश है यहाँ पर, ज़बरदस्त है, और यहाँ पर आओ देखा ना ताओ देखा गेंद को पहुँचा दिया है बाउंड्री के पार 4 रन्स के लिए। दिस इज एलिस पैरी द ट्रेमेंडस क्रिकेटर, शी इज रियली। और यहाँ पर बिल्कुल 140 के जवाब में कमाल की बल्लेबाजी, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। पर्सनली मुझे पैरी पर और चिमारी पर ये बहुत अच्छा ये रन्स बनाती हैं डेफिनेटली। कैसे हो ब्रदर प्रीत चौधरी, आई एम क्वाइट फाइन, आप कैसे हैं? और बिहार इलेक्ट्रिकल्स नट आउट, बिहार ठीक है जनाब। ये रन्स भी बताने आपने कि पैरी रन्स कितने बनाती हैं, और चौके के बाद सिंगल ले लिया है जो कि विराट कोहली का एक कपड़ा ज़बरदस्त अंदाज है। यहाँ पर बाउंड्री लगाकर सिंगल ले लेते हैं, तो इस तरह 5 रन या 7 रन जो हैं 2 गेंदों में बनाकर दूसरे एंड पर चले जाते हैं। तो कैसे कैसे हैं आप, आपके पास मौसम कैसा है, और आपके मिजाज कैसे हैं, बिल्कुल हमारे साथ शेयर ज़रूर कर डालिए। और हम तो चाहते हैं कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी की बहारों के मज़े लेते रहें, और इसी तरह हमारे साथ आप जुड़े रहें, क्योंकि ज़िंदगी का पता नहीं है कि कब कब जो है ये ख़त्म हो जाए।
तो इससे पहले हमें इसको जो है वो इंजॉय ज़रूर करना है। आसिफ बुखारी क्रिकेट कमेंटेटर अपने यूट्यूब चैनल पर आपको कहता है खुश आमदेद, पूरी बाहों के साथ हंसते हुए चेहरे के साथ आपकी आमद हमारे लिए बाय से सद इफ्तार है। सो यहाँ पर आपके कमेंट्स, क्या कमेंट्री है, वाह सुपर लाजवाब, थैंक यू सो वेरी मच सालहीन। और यहाँ पर एक और वाइट बॉल मिल गया है, सो रन की तादाद जो है 22 हो चुकी है, तीसरे ओवर का खेल जारी है। एलिस पैरी कितने रन बनाएंगी, ये सवाल है हमारा आपके लिए, और मेरा मानना है कि ये 45 प्लस रन जो हैं वो बनाएंगी। ठीक है जी, आप ही रन जो हैं वो बता सकते हैं यहाँ पर, और देखते हैं कि फिर किस भाई का जो है वो अंदाज़ा ठीक रहता है, किस बहन का अंदाज़ा जो है वो ठीक रहता है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्योंकि हमने इस इनिंग्स में हमारा जो टारगेट है वो 200 लाइक्स पूरा करने का है। सो 122 प्यारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सो 115 जो लाइक्स आए हैं, तो अभी मतलब बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। कोई बात नहीं, आप भूल गए तो मैंने आपको याद करवा दिया है, वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर करना है और वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं हमारी वीडियो को देख सकें, सुन सकें और हमारा साथ जो है वो दे सकें यहाँ पर। सो तीन ओवर का खेल मुकम्मल हो चुकने के बाद 7.67 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाए गए हैं, 23 कोई विकेट नहीं खोया है ग्राउंड 2, जबकि पैरी 18 रन पर बैटिंग कर रही हैं। एक छक्का लगाया गया है, अभी तक 2 चौके लगाए गए हैं और ये तमाम जो है वो कुछ किया है पैरी ने। प्रीत चौधरी ब्रदर कहाँ से हो, प्रीत चौधरी भाई मैं जनाब पंजाब पाकिस्तान से हूँ, और प्रीत चौधरी भाई आप कहाँ से हैं, कैसे हैं ये ज़रूर बताना है। और बिहार इलेक्ट्रिकल्स कहते हैं कि 67 रन प्लस बनाएंगे जी पैरी, ठीक है देखते हैं अब पैरी जो है वो कितने रन बनाने में कामयाब रहती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस रहता है पैरी पर जब वो बैटिंग कर रही होती हैं, चौके काफ़ी ज़्यादा लगा जाती हैं। सो मैच विनर प्लेयर हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। सो अगला ओवर यहाँ पर इस्माइल को थमाया गया है, साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ है और उनके नेशनल साइड से ये खेलती हैं। सो ब्राउन सामना कर रही हैं, और ब्रदर लव फ्रॉम इंडिया, लव यू टू प्रीत चौधरी जी, खुश रहिए और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, और अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। आप कमेंट्री आपको पसंद आती है तो ज़रूर जो है वो आप इसको इंजॉय करें। सो अगला बॉल है यहाँ पर डॉट बॉल, वंस अगेन 3 in a row, 3 गेंदे जो है वो डॉट आई हैं यहाँ पर। सो ब्राउन जो है ये बड़ी अच्छी बैटर हैं, मैथोलान ब्राउन, 26 साल इनकी उम्र है, और इस सीरीज़ में ये जो लीग चल रही है इसमें अभी तक कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, मासबा 32 रन उन्होंने बनाए, लेकिन अगर पिछले हम मैचेस की बात करते हैं तो 0-0, 19-4 और इस मैच में 2। सो शी स्ट्रगलिंग विद द बैट, सो मौका है यहाँ पर इस्माइल के पास के उनसे गेंदें डॉट करके प्रेशर जो है वो बढ़ाया जाए। डेफिनेटली जब प्रेशर बढ़ेगा तो फिर पैरी जो है कुछ हेडिंग करने की कोशिश करेंगी, सारे रन्स नहीं बन रहे होंगे पावर प्ले के ओवर्स हैं, तो यहाँ पर कोशिश रहती है बैरर्स की कि कुछ ज़्यादा रन्स जो हैं वो बनाए जाएं और कुछ गेन किया जाए यहाँ पर। सो लगातार 4 गेंदें डॉट अगर आप करते हैं तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जब पैरी हैं तो फिर ये प्रॉब्लम ज़रूर है वहाँ पर। सो देखें अब 5 गेंदों में 1 रन आया है और अब पैरी इस गेंद पर क्या करें, डेफिनेटली शी विल गो फॉर हिट, 4 या 6 रन के लिए जाती हैं या फिर नहीं, क्योंकि इस्माइल को संभल कर खेलने की ज़रूरत ज़रूर है। राज 03 गोल्डन 9898 जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया जीतेगा, हाँ जी बिल्कुल, ये तो अब देखेंगे सेमीफाइनल्स और फाइनल में क्या बनता है। सो 15 तारीख का इंतज़ार है, 15 और फिर 16, उसके बाद होगा ग्रैंड फिनाले। थैंक यू सो वेरी मच जिन लोगों ने अभी तक हमें ज्वाइन किया है, जहाँ जहाँ से आपने ज्वाइन किया है ये देखें, बिल्कुल मैंने आपको बॉल से पहले बताया था कि चौके और छक्के के लिए जाएंगी पैरी, और बड़ी आसानी के साथ जो है उन्होंने गेंद को पहुँचा दिया है बाउंड्री के पास 4 रन के लिए। 4 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुकने के बाद 7 रन पर ओवर के हिसाब से 28 रन बनाए गए हैं, बिल्कुल यहाँ पर 140 के जवाब में। तो कौन सी टीम जीतेगी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर बताइए। हुबर्ट हुरिकेन्स ने यहाँ पर 139 रन बनाए थे, सिडनी सिक्सर्स की टीम जो है वो ताकुब में है और अभी तक बिना कोई विकेट गंवाए 28 रन बना लिए गए हैं उनकी जानिब से। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आसिफ बुखारी स्पीक्स यूरोप चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो,
और यहाँ पर वीडियो को शेयर करना आप लोगों ने नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, क्योंकि वो आपके सामने आपको हमारे सब्सक्राइबर्स नज़र आ रहे हैं 32546। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आज इसको 33K पर ले जाया जाए? कम ऑन बॉयज़, कम ऑन लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप जो हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके अभी तक, तो मैं आपको याद करवा रहा हूँ और आपने इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर डालना है। सो इंडिया जीतेगा या फिर न्यूजीलैंड जीतेगा, साउथ अफ्रीका या फिर जो है ऑस्ट्रेलिया एक दफ़ा फिर मैदान अपने नाम करेगा, ये देखना बस अब चंद ही दिनों की बात रह गई है, बल्कि मुझे घंटे कहने चाहिए, दिन नहीं घंटे कहने चाहिए, क्योंकि दिन तो बस समझ लें कि 3-4 ही दिन हैं। सो दिस इज स्टोरी सो फार। पाँचवा ओवर लेकर आ गई हैं यहाँ पर कैरी, निकोला कैरी, 30 साल जो है वो इनकी उम्र है और बिल्कुल राइट आर्म मीडियम ये स्पिनर गेंदबाज हैं, लंबे कद की मालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है। चले देखते हैं किस तरह का ये आगाज़ करती हैं। और यहाँ पर पहली दो गेंदों में दो सिंगल्स, ब्राउन देन पैरी और फिर ब्राउन अब सामना करेंगी। तो पाँचवें ओवर का खेल जो है वो चल रहा है यहाँ पर। ओह माय गॉड, 3 singles and 3 balls। सो आप लोगों ने हमें कहां कहां से ज्वाइन किया है ज़रूर आप लोगों ने बताना है। और यहां पर कृष्णा कुमार मैच फिक्सिंग SS विन। अच्छा जी, ठीक है, चले चले देखते हैं क्या बनता है यहां पर। और लेतना 4 गेंदों में 4 singles जो हैं वो बनाए गए हैं यहाँ पर। गुड स्टार्ट मुझे कहना पड़ेगा कैरिक जानिब से, इससे पहले भी उन्होंने ओवर किया है और उसमें 7 runs हैं वो दिए थे। तो अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं क्योंकि ख़तरनाक हैं पैरी। तो कैरी वर्सेस पैरी, वाओ। बोला जी, बोला भाई, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, कहाँ से आपने हमें ज्वाइन किया है कमेंट सेक्शन में यार ज़रूर आपने बताना है, बिकॉज मुझे ये बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि कौन कौन से भाई हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। सो प्लीज़ राइट समथिंग इन द कमेंट सेक्शन, वेयर आर यू फ्रॉम ब्रदर। भोला भाई, आई एम ऑल द वे फ्रॉम पंजाब पाकिस्तान, थैंक यू सो वेरी मच फॉर आस्किंग एंड वेयर आर यू फ्रॉम। गॉट अ विकेट और यहाँ पर कैरी ने विकेट चटका दिया है। माय गॉड, यहाँ पर बड़ा धचका लगा है, LBW आउट करार दे दिया गया है, एलिस पैरी गॉन। सो जो यहाँ पर हम जवाब देखते हैं, जिन भाइयों ने ये कहा था कि पैरी रन्स बनाएंगी, 67 25 25 25 45 20। प्रीत चौधरी जी, आप तो जनाब, नहीं आपने 20 भी बोला, 25 भी बोल दिया, फैंटेसी 70 65 25 25। तो पैरी जनाब आउट हो चुकी हैं और 24 रन उन्होंने बनाए हैं, 24 रन बनाने के बाद। सो अब ये मैच जो है ये 50-50 हो गया है, क्योंकि पैरी जो हैं जब तक विकेट पर मौजूद थी तो बड़ी आसानी के साथ ये रन बन सकते थे, मैच विनर SS विन होगा। ओके ठीक है, आई एम फ्रॉम बिहार। ओके जनाब, बिहार बड़ा प्यारा नाम है। विकेट नहीं दिख पाएगी, बहुत कम रन है। राजकुमार, राजकुमार भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, और कहां से आपने हमें ज्वाइन किया है ज़रूर बताइए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर, आपका अपना मेज़बान आसिफ बुखारी क्रिकेट कमेंटेटर आपको खुश आमदीद कहता है। और एक और बढ़िया खिलाड़ी जो हैं वो आ चुकी हैं, एशले गार्डनर। एशले गार्डनर जो हैं ये बड़ी ज़बरदस्त हिटिंग जो है वो करती हैं इस लीग में, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो मैं आपको रिसेंट जो मैचेस हैं उसकी बात करता हूँ। 32 रन्स बनाए गए इनकी जानिब से, 15 रन्स बनाए गए, 0 25 और 0 37 और 1। तो मतलब कुछ उस तरह की फॉर्म इनकी है नहीं जिसके लिए जानी जाती है, लेकिन जो आखिरी मैच खेला है उन्होंने 19 गेंदों में 32 रन ज़रूर बनाए हैं। सो आज उनकी ज़रूरत ज़रूर है उनकी टीम को। तो लेट्स सी
क्या बनता है यहाँ पर। अगर आपको हमारी कमेंट्री अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो कैरी ने अभी तक बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी की है और इस्माइल से बॉलिंग जारी रखवाने के लिए कहा गया है, और क्योंकि यहाँ से अगर एक और विकेट हासिल कर लिया जाता है तो बैकफुट पर करने पर मजबूर कहा किया जा सकता है। कहा था भाई 25 लास्ट। हाँ जी प्रीत चौधरी आप बिल्कुल क्लोज हैं, और लेकिन एग्जैक्ट 24 रन कोई भी नहीं बता सका है। बहरहाल मतलब 25 से कम आपने बोला था। एनीवेज इसी तरह आप भी विनर हैं जी। ठीक है प्रीत चौधरी भाई। और यहाँ पर टफ बॉलिंग का सिलसिला जारी है। ब्राउन इज टेकिंग हर टाइम। 13 गेंदों में सिर्फ 6 ही रन जो है वो बनाए गए हैं। खतरा टल चुका है एलिस पेरी की सूरत में, लेकिन गार्डनर जो है चूंकि इनकी फॉर्म ज्यादा अच्छी नहीं है, हैं तो बड़ी खतरनाक। मैं एमपी से सर आप बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं। थैंक यू राजकुमार भाई, आप अच्छा सुनते हैं इसलिए आपको हमारी कमेंट्री अच्छी लग रही है। अभी तक लाइक सिर्फ 120 हुए हैं यार, और इसको जो है वो मज़ीद बेहतर बनाना है, ज़्यादा लाइक्स जो है वो करने हैं। सचिन भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अब वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर कर डालिए। आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस एंड लव। स्टे ब्लेस्ड, कीप रॉकिंग एंड कीप स्माइलिंग। 32,546 32546 ये सब्सक्राइबर्स की तादाद आप लोगों के सामने है। और अब अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर डालिए, तो मैं वहाँ पर आपका मंतज़िर हूँ। और आज के इस मैच में, आज के इस इनिंग्स में अगर हम 33 के कर जाते हैं तो ये जनाब बहुत खुशी का मौका होगा। तो चेक करें अपना अपना अकाउंट जो है वहाँ पर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या फिर नहीं। तो अच्छी गेंदबाजी का सिलसिला जारी है यहाँ पर। इस्माइल से लगातार तीसरा ओवर करवाया जा रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि कैप्टन जो हैं वो चाहती हैं कि यहाँ पर एक और विकेट अगर हासिल कर लिया जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर मुश्किल में डाला जाएगा मुखालिफ टीम को। हाँ जी, सो वाइट बॉल आया है यहाँ पर, और एक और रन का इजाफा है। 37 फॉर द लॉस ऑफ वन आफ्टर 5.4। कासिम अली ने हमें ज्वाइन किया है। वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीतेगी? कासिम अली भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। कहाँ से आपने हमें ज्वाइन किया है? और टीम यार देखें, एक बुरा दिन जो है वो भी हो सकता है किसी टीम के लिए, अच्छा दिन भी हो सकता है। सो मेरा ख्याल है कि अब गलती की गुंजाइश नहीं है किसी भी टीम के पास। इंडिया ने 9 out of 9 जो है वो जीता है, 100% रिजल्ट जो है उन्होंने दिए हैं। लेकिन अब चूंकि नॉकआउट मैच है तो फिर भी मैं ये समझता हूँ कि एक रेपुटेशन को मेंटेन रखने के लिए, और चूंकि ये नॉकआउट मैच है गलती की गुंजाइश नहीं है, सो जहाँ पर जीत 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 और सिर्फ जीत होती है तो वहाँ पर प्रेशर ज़रूर आ जाता है एक ऐसे नॉकआउट मैच में। तो क्या सिर्फ इस चीज़ को टैकल करना है भारतीय टीम को, और कोई मसला नहीं उनके लिए ये मैच जीतकर फाइनल मैच में जाने के लिए। तो बहरहाल अब टक्कर के मुकाबले हैं, देखना जो है वो बाकी है। एनके क्लासेस ने हमें ज्वाइन किया है बिहार से, और अबे मुले अमान शर्मा भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। विनोद कुमार कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। कहाँ से आपने हमें ज्वाइन किया है? सो यहाँ पर 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 38 रन जो हैं वो बनाए गए हैं। अभी तक आउट होने वाली बैटर जो हैं वो बिल्कुल एलिस पेरी। यहाँ पर 43 रन बनाए गए थे हिबर्ट हरिकन्स की जानिब से, और एक ही विकेट खोया था। सो 5 रन आगे थे यहाँ पर इस स्टेज पर। 6 ओवर में 38 रन बनाए गए हैं। तो आपको हमारी कमेंट्री कैसी लग रही है इस हवाले से अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जो है वो ये मैच जीत जाएगी? आप लो वाइड बॉल के साथ आगाज कर दिया है यहाँ पर, और साथ में सिंगल भी। 2 रन फ्री में मिल गए हैं। पट्टी ऑन द बोर्ड आफ्टर 6 ओवर्स। टोलू नेहरा, और यहां पर विकेट चटका दिया है। सो ब्राउन शी वाज स्ट्रगलिंग एंड लगातार वो मैचेस में फेल हो रही हैं, लेकिन उनको फिर खिलाया जा रहा है।
सो यहाँ पर 17 गेंदों में 9 रन बनाने के बाद जो है ग्रहम ने उनको चलता किया है, अपने ओवर में पहला वाइट बॉल डाला है और उसके बाद विकेट हासिल कर लिया है। सो सेकंड कौन, बोथ द ओपनर्स हैव कॉन, दोल सिंह एचपी, अमन शर्मा, ओके ठीक है, कोशिश करें यार हमेशा अच्छी बात करने की, अच्छी फैमिली से बिलोंग आप करते हैं ये बात बताने की कोशिश करें, अपने अमाल से अपनी बातों से मोहब्बत जो है बांटने की कोशिश करें। नफ़रत फैलाने वाले तो पहले ही बहुत सारे लोग हैं, लेग पुलिंग, दो नंबरी, गालियां देने वाले लोग तो पहले से ही बहुत सारे हैं। सो आपको ये कुछ एक अच्छा, हमारा ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पर सिर्फ मोहब्बत है, नफ़रत, हसद, बुग़्ज़, दो नंबरी यहाँ पर हम प्रमोट उसको नहीं करते। सो मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम देखने वाले जो हैं वो एक अच्छा जो है वो यहाँ पर साइन लेकर आएँ, एक अच्छा रेपुटेशन जो है वो उसको बिल्डअप करने की कोशिश करें। थैंक यू सो वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अल्फाज में, आप अपनी बातों में अच्छा करने की जो है वो कोशिश करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। सो सातवें ओवर का खेल यहाँ पर शुरू हो चुका है और दोनों ओपनर्स जो हैं वो जा चुकी हैं वापस, और यहाँ पर अब बर्न्स जो हैं वो आए हैं। एरन बर्न्स, इनकी जो रिसेंट फॉर्म है उसमें पिछले मैच में इन्होंने 5 बनाए, उससे पहले 8 बनाए, फिर 32 बनाए, फिर 8 बनाए, तो ज़्यादा अच्छी फॉर्म नहीं है, ज़्यादा अच्छी फॉर्म जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अब करती क्या है और किस तरह से इस मुश्किल वक्त में अपनी टीम को जो है वो कामयाबी दिलवाने में कामयाब रोल प्ले करती हैं। तो हैदराबाद गाय, एनीवन तेलुगु हेयर, नाइस एलिगेंट कमेंट्री, थैंक यू सो वेरी मच द हैदराबाद गाय, लव यू हो गया जनाब, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी की बहारों के मज़े लेते रहिए और हमारा साथ जो है वो इसी तरह देते रहिए। तो यहाँ पर बिग बैश वुमेन की लीग चल रही है, काफ़ी दिनों से चल रही है, ऑलमोस्ट एक महीना होने को जा रहा है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। सबसे जो बढ़िया परफॉर्मेंस रही है अभी तक यहाँ पर हम देख रहे हैं तो वो चिमारी अतपाचू हैं, श्रीलंकन वुमेन टीम कैप्टन, और एलिस पैरी, ये नुमाया जो हैं वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अब तक अच्छा जो है वो एक किरदार जो है वो अदा किया है, यहाँ पर अच्छी क्रिकेट जो है वो खेली है। आज पैरी जो है वो कुछ खास नहीं कर पाई और 24 रन बनाने के बाद अपनी टीम को मुश्किल में डालकर वापस चली गई हैं। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अब आगे आगे होता है क्या। आप में से जिन भाइयों को हमारी कमेंट्री अच्छी लग रही है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर डालिए। अपने बारे में जरूर बताइए और आप लोगों ने हमें कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रखा है ये बताना जो है वो बिल्कुल मेरे लिए, ये जानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है क्यूरियोसिटी रहती है, बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ पर सिर्फ 4 ही रन दिए हैं इस ओवर में, हालांकि पहली बगैर किसी गेंद के 2 रन दे दिए थे। तो यहाँ पर गार्डनर एक थ्रेट ज़रूर हैं मुखालिफ टीम के लिए, क्योंकि गार्डनर कैन मेक द रन्स क्विकली, तेज़ी के साथ जो है वो रन्स बना सकती हैं गार्डनर, और छक्के लगाती हैं ये। तो ये एक थ्रेट ज़रूर है यहाँ पर टीम हिबर्ट हरिकेन्स के लिए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, 42 गेंदों में 42 रन जो है वो बनाए गए हैं और रिक्वायरिंग रन रेट जो है वो हल्का ऊपर जाता हुआ 7.54, लेकिन अभी परेशानी की बात नहीं है। अब्दुल बाकी भाई ने हमें ज्वाइन किया है, और अब्दुल बाकी भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये देखें छक्का, सो गार्डनर छक्कों के लिए जानी जाती हैं, और यही मैं बात आपको पहले बता रहा था कि ये एक थ्रेट ज़रूर है मुखालिफ टीम के लिए, और गार्डनर का विकेट अगर ले लिया जाता है तो फिर यहाँ पर समझ लें कि मैच पर कब्जा मजबूत हो जाता है टीम हरिकेन का। लेकिन
गार्डनर जब तक विकेट पर मौजूद हैं तो छक्के लगाने की सलाहियत जरूर रखती हैं यहाँ पर, और ओवर थमाया गया है यहाँ पर हेले सिल्वर होम्स को। हेले जो हैं वो उनका ताल्लुक जो है बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया से है और लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं। सो यहाँ पर पहला बॉल वाइड फेंकने के बाद अगली गेंद पर छक्का, अगली गेंद पर चौका, गेंद को पहुंचा दिया है बाउंड्री के पार। फील्डर सिर्फ गेंद को जाता हुआ देख सकती थी, रोक नहीं सकती थी। सो यहाँ पर बड़ा ओवर लगाने की तमन्ना और इस कोशिश में मसरूफ जरूर हैं एश्ले गार्डनर। तो आपको हमारी कमेंट्री कैसी लग रही है, फीडबैक जो है वो आप लोगों का जरूर आना चाहिए है। और बिल्कुल जनाब 11 रन से बनाए जा चुके हैं दो गेंदों में और अभी चार गेंदें आना बाकी हैं। 140 टू विन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। गार्डनर से डॉट बॉल करने में कामयाब सिल्वर। मैं ठीक हूँ आसिफ भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और चले दुआ करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी की बहारों के मज़े लेते रहिए। यही बिल्कुल हमारी दुआ है अपने तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए। चकला बॉल है यहाँ पर, एक दफ़ा फिर कुछ अलग से करने की कोशिश होगी लेकिन गार्डनर ने बड़ी आसानी के साथ गेंद को मोड़ दिया है और जब तक फील्डर बॉल को पकड़ती वापस पहुंचाती है, एक और रन जो है वो हासिल कर लिया गया है एश्ले गार्डनर और बर्न्स की जानिब से। सो बर्न्स जो कि ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है, साथ निभाना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जब एश्ले गार्डनर आपके साथ पार्टनर हैं और आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है तो मेरा ख्याल है कि आपको सिंगल लेकर जो है वो मौका देना चाहिए। तो ये है कि कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा और मिडल ऑफ द बैट आप करने में कामयाब होंगी, और दूसरा ये है कि गार्डनर जब मौजूद हैं तो उनसे फ़ायदा जो है वो उठाना चाहिए बजाय इसकी कि खुद बंदा जो है वो गेंदों को साया करने की कोशिश करे। तो एक और सिंगल ऐसा ही किया है बर्न्स ने यहाँ पर और गार्डनर अब सामना करेंगे। 13 रन बनाए जा चुके हैं यहाँ पर, पहली दो गेंदों में 11 रन बनाए गए थे, अगली तीन गेंदों में अच्छा कमबैक किया गया है सिल्वर की जानिब से और सिर्फ दो ही रन बनाने का मौका दिया गया है। आप लोगों ने हमें कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रखा है जल्दी से आप हमें बता सकते हैं, और बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, तजस्सुस रहता है कि हमारे प्यारे देखने वाले लोग जो हैं वो कहाँ कहाँ से हैं। सो 140 से ज़्यादा लोग हमें जो है वो इस वक्त देख रहे हैं और लाइक्स की तादाद ज़्यादा नहीं है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक जो है वो कर डालिए। और सिंगल के साथ ओवर का खात्मा हो चुका है और इस तरह 8 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और रन्स बनाए गए हैं 56, 2 विकेट हुई हैं। तो इस मौका पर 53 रन्स बनाए गए थे ह्यूबर्ट हरिकेन की जानिब से और 53 रन्स के साथ एक विकेट था। सो यहाँ पर 3 रन्स तो पीछे है टीम फील्डिंग साइड लेकिन एक एक्स्ट्रा विकेट जरूर सिडनी ने खोया है। तो 72 गेंदों में 84 रन चाहिए हैं तो ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है जब एश्ले गार्डनर वहाँ पर मौजूद है। तो ह्यूबर्ट हरिकेन को करना क्या है, गार्डनर को या तो आउट करना है या फिर उनको ऑफ स्ट्राइक रखना है, ज़्यादा गेंदें उनको खेलने का चांस नहीं देना है। आसिफ भाई मेरे को मॉनिटर बना दें। ओके ओके अब्दुल बाकी भाई, सनोवा ओवर क्रैम जो है वो लेकर आ गई हैं, अच्छा उन्होंने एक विकेट ज़रूर चटकाया है और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आई हैं पीटर ग्राम। पीटर ग्राम जो है वो बिल्कुल उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, राइट आर्म मीडियम फास्टर गेंदबाज हैं, अगला बॉल खेलने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। और यहाँ पर एक और सिंगल बना लिया गया है, सो लॉट्स ऑफ सिंगल्स आर कमिंग देयर। पिछले 5 गेंदों में 5 सिंगल्स ज़रूर बनाए गए हैं। तो देखिए ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं सिडनी के लिए बिकॉज 70 गेंदें बाकी हैं, 82 रन बाकी हैं। अलहीन भी कह रहे हैं कि अब्दुल बाकी भाई को मॉडरेटर बना दो आसिफ भाई। ओके ओके ठीक हो गया जनाब, तमाम दोस्त एक साथ लाइक कर दें। 129 लाइक्स जो हैं वो अभी तक हमारे पास पहुँचे हैं और इस वीडियो का टारगेट जो है वो 200 लाइक्स का है प्यारे दोस्तों। तो कमान जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर डालिए बिकॉज 32546 पर जो है हमारे सब्सक्राइबर्स की तादाद जो है वो रुक चुकी है। तो कमान लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे साथ मोहब्बत का इजहार वो कीजिए और जारी रखिए मोहब्बत।
क्योंकि मोहब्बत जो है ये बड़ी ज़रूरी है इस मुश्किल दौर में। हमें एक दूसरे के साथ फ्रेंडली जो है, देखिए दोस्त जो हैं वो लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि बस फ़ायदे के लिए जो है वो वक्ती आरसी मोहब्बत जो है वो करते हैं। तो इसको मैं, इसलिए मोहब्बत नहीं होती एक्चुअली, ये एक धोखा होता है, सेल्फिशनेस होती है। तो मैं ऐसी बातें यहाँ पर नहीं करना चाहता, बिकॉज़ हमारा हमारा मानना है कि हम मोहब्बत की बातें करेंगे, रियल मोहब्बत की बातें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे का अदब एहतराम, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। हाँ जी बिल्कुल, सालहीन और अब्दुल बाकी भाई जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं, और बाकी भाई जो है वो खामोशी से सुन रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइए और बताइए इस मैच के हवाले से। जो फ्री हिट मिला है यहाँ पर और गार्डनर है सामने, तो फिर चांस जो है वो ज़्यादा बाउंड्री का ही होगा, क्योंकि गार्डनर शी लव्स टू हिट द बॉल जस्ट आउट ऑफ द पार्क फॉर मैक्सिमम। तो देखते हैं इस गेंद में क्या आता है, क्योंकि ग्रैम ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी जरूर की है। हियर वी गो वंस अगेन, तो अंपायर के पास पहुंची है, बॉल क्या है और बॉल हवा में चला गया है। सो लेट्स सी, माय गुडनेस, नो मैन्स लैंड पर बॉल गिरा है, अमूदन बॉल हवा में खड़ा हो गया था, और एक ही रन लकी रही है यहाँ पर गार्डनर, और अनलकी रही है यहाँ पर क्रैम, क्योंकि बॉल हवा में था। लेकिन चूंकि ये कैच हो भी जाता तो फिर भी आउट नहीं था, चाहे जाके कहीं रन आउट ना हो जाए। 133 लवली पीपल आर वॉचिंग एंड 132 लाइक्स वी हैव गॉटन सो फार, अभी तक 132 लाइक्स जो हैं वो हमें मिले हैं और 68 लाइक्स। प्यारे दोस्तों जल्दी से पूरे करें हैं, वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो कमेंट्री सुनना चाहते हैं, और ताकि उन तक भी ये पैगाम पहुंचे, वो भी हमें ज्वाइन करें और इस तरह काफिला जो है हमारा बढ़ता जाए। नौ ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, 62 रन और गार्डनर ये सफर जारी रखे हुए हैं। एक छक्का लगाया गया है गार्डनर की जानिब से, एक चौका लगाया गया है, लेकिन बर्न्स जो हैं 8 गेंदों के साथ 4 रन बनाने में कामयाब है। ताहल अभी तक इस लीग में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी हैं, वो 64 रन बनाए गए थे इस मौका पर हरिकेन की जानिब से। कम ऑन बॉयज, कम ऑन गर्ल्स, कम ऑन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेयर आर यू फ्रॉम, जहाँ जहाँ से भी आप हमें ज्वाइन किया है, हम आपको खुली बाहों के साथ खुश आमदेद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। तो स्मिथ को बॉल थमाया गया है, एमी स्मिथ, एमी स्मिथ जो हैं बिल्कुल बॉल कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस उनकी है नहीं, पिछले 4 मैचेस में सिर्फ 2 ही विकेटें जो हैं उन्होंने हासिल की हैं। राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाज हैं, सो अच्छा किरदार हो सकता है। बॉल हवा में है और यहाँ पर बर्न्स ने गेंद को पहुँचा दिया है मीलों दूर 6 रन के लिए। What a shot that is, really just out of the park. फील्डर सिर्फ गेंद को हवा में जाता हुआ देख सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी, तो कीमती छक्का आया है यहां पर। 69 ऑन द बोर्ड फॉर द लास्ट ऑफ 2, 10वें ओवर का खेल जारी है। बर्न्स का बॉल टॉप बॉल आया है, तो यहां पर सिडनी सिक्सर्स को मजीद जो रन चाहिए हैं उसकी तादाद है 71, 62 गेंदे बाकी हैं, क्योंकि तो छक्के चौके नहीं लगते तो ये प्रेशर बढ़ता ही जाएगा। विकेट आ गया है, रन को चलता किया गया है, यहां पर छक्का जरूर लगाया गया था लेकिन एक गेंद बाद ही यहां पर चलता कर दिया गया है उनको। वाओ, व्हाट अ कमबैक बाय स्मिथ, क्लीन बोल किया है, व्हाट अ कमबैक, दिस इज अ ग्रेट पीस ऑफ बॉलिंग, टिम्बर्स ऑल ओवर।
यहां पर बिल्कुल तीसरा विकेट भी आया है और साथ ही जो है यहां पर मैं ये समझता हूं कि एशली गार्डनर जब तक विकेट पर मौजूद हैं टेंशन वाली बात नहीं है। आसिफ भाई, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच की कमेंट्री करोगे क्या? अब्दुल बाकी भाई, यार आपको पता होना चाहिए कि जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं, एशिया कप होता है, उस पर कमेंट्री नहीं की जा सकती। प्री मैच पोस्ट मैच जो है वो किया जा सकता है, तो उस पर हम आपको जो प्री मैच जो है उसमें थोड़ा गाइड ज़रूर करेंगे, मतलब एक कंपैरिजन जो है वो पर डिस्कशन जो है वो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन कमेंट्री दौरान मैच नहीं कर सकते उसमें। तो 61 गेंदों में 71 रन 7 विकेटों के साथ अभी बाकी हैं और गार्डनर का वजूद बाकी है। जब तक गार्डनर वहां पर मौजूद हैं सो पलड़ा ज़रूर भारी रहेगा सिडनी टीम का। देखते हैं कि नई बैरर जो हैं वो कौन आती हैं यहां पर और साथ निभाती हैं गार्डनर का। लाइक्स जो हैं वो अभी तक मिले हैं और यहाँ पर टॉट बॉल के साथ ओवर खत्म किया है। छक्का जरूर आया था लेकिन बकिया 5 गेंदों में सिर्फ एक ही रन जो है उन्होंने दिया है। वेरी गुड ओवर बाय स्मिथ लेग स्पिनर। सो 7 रन पर ओवर खत्म हुआ है। 10 ओवर में 69 रन जो हैं वो बनाए गए हैं और इस तरह 10 ओवर में 71 रन चाहिए हैं, मतलब आधे ओवर चले गए, आधे रन तकरीबन चले गए, आधे ओवर रह गए, आधे रन बाकी रह गए। ठीक है जी, सो दिस इज द स्टोरी सो फार। कुश्ती दे शौकीन, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुश्ती के शौकीन ने हमें ज्वाइन किया है। कुश्ती के शौकीन ने हमें कहाँ से ज्वाइन किया है और कुश्ती के हवाले से आप हमें ये बताएंगे कि कौन से कुश्तर जो हैं वो इस वक्त नुमाया हैं। पहले 3-4 नाम कौन से ऐसे बड़े जो कि बिल्कुल टॉप पर हैं, ये ज़रूर आपने बताना है। सो यहाँ पर कैरी से बॉलिंग जारी रखवाने के लिए कहा गया है और जम्मू से हैं जी कुश्ती के शौकीन, कुश्ती दे शौकीन, जम्मू एंड कश्मीर से हूँ भाई। ओके, आपके पास नॉलेज तो होगा जो रेसलर्स हैं, एक्चुअली ये कुश्तर जो हैं ये रेसलर्स होते हैं, तो आप ज़रा बताइएगा हमें कौन से जो हैं वो रेसलर सबसे टॉप पर हैं, कौन से कुश्तर जो हैं वो टॉप पर हैं इस वक्त। यहाँ पर गार्डनर की विकेट की बहुत बढ़ गई है अहमियत, क्योंकि अगर गार्डनर का विकेट ले लिया जाए तो काम तमाम हो सकता है, यहाँ पर ख़त्म हो सकता है। लेकिन जब तक गार्डनर मौजूद हैं तो आपको पता है शी कैन हिट द बॉल हार्ड। गार्डनर 40 अंडर आउट हो जाएगी ज़ाहर प्रेडिक्शन का कहना है। लेकिन गार्डनर रन्स कितने बनाएंगी, 40 से पहले पहले ये आउट हो जाएंगी ये कहना है ज़ाहर का। देखिए गार्डनर जो हैं ये मैच विनर हैं और देखते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि जब वो आउट अगर हो जाती हैं ना तो फिर मैच तो समझे कि बिल्कुल भी जो है वो उनके हाथ से निकल जाएगा। सो गार्डनर ट्राइन, ये एक और बड़ा नाम है, ये एक और ज़बरदस्त बैटर हैं। 6 मैच में इन्होंने 28 गेंदों में 40 रन बनाए थे और एक हारा हुआ मैच अपनी टीम को जितवाया था, फिर एक और 16 गेंदों में 41 रन भी बनाए थे इन्होंने। सो शी कैन बैट, शी कैन बैट, सो ये एक अच्छी जोड़ी है। यहाँ पर चॉइन जो है उनको चाहिए है स्ट्राइक को रोटेट करते रहें, गार्डनर के पास जो है उनको खिलाते रहें मैक्सिमम, तो बिल्कुल भी कोई परेशानी की बात नहीं है। एनके क्लासेस कहते हैं एसएस वन मैच जीतेगा। ओके,
देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर। आसिफ बुखारी स्पीक्स यूरोप चैनल पर आपको खुश आमदीद कहा जाता है। वेलकम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल द लवली पीपल अराउंड द वर्ल्ड। आपने हमें जहाँ से भी ज्वाइन किया है, आपकी आमद हमारे लिए सद इफ्तिखार है, खुशी का बायस है। 11वां ओवर चल रहा है, तो अभी तक इस ओवर में 6 ही रन्स बनाए गए हैं और ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि 7 ही रन्स आपको बनाने हैं हर ओवर में। तो 65 रन चाहिए हैं, 55 गेंदे हैं, 10 का फर्क है, लेकिन एशले गार्डनर किसी भी मौका पर 2 गेंदों में 2 चौके लगाकर या 1 छक्का 1 चौका लगाकर ये फर्क बड़ी आसानी के साथ ख़त्म करने की सलाहियत से मालामाल है। तो हियर वी गो, ट्राई एंड सिंगल लिया है और ओवर ख़त्म हो चुका है। सो 7 रन बनाए गए हैं, पिछले ओवर में भी 7 रन आए थे 1 छक्के के साथ और 1 विकेट भी गया था। So 76 for the loss of 3 after 11. Sydney Sixers required 64 runs in 54 balls. So ज़्यादा दिक्कत वाला ये काम नहीं है, लेकिन अगर गार्डनर का विकेट चला गया तो फिर रियल ट्रबल ज़रूर होगी। तो गार्डनर रन्स कितने बनाती हैं ये भी आप लोगों ने बताना है यहाँ पर। क्या आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं? अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपके पास व्हाट्सएप कुछ क्रिकेट खिंचाने वालों का ग्रुप है उसमें लिंक जरूर शेयर कीजिए ताकि नए लोग जो हैं उनको भी पता चले और वो भी आए हमारे चैनल पर। सो ये देखिए ओवर जो है नए बॉलर लगा दी गई हैं यहाँ पर। गेंदबाज मोली सिट्रानो जो हैं बिल्कुल ऑफ ब्रेकर हैं, तो उनका इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। शायद वो कुछ ब्रेक थ्रू दिलवाए। 2 गेंदों में 2 रन बनाए गए हैं। अगला बॉल है, ट्राइन सामना करेंगे। 52 गेंदों में 62 रन बाकी रह गए हैं और यहां पर गेंद को बचा दिया गया है बाउंड्री के पार 4 रन के लिए। तमामी फील्डर्स हसरत भरी निगाहों से गेंद को जाता हुआ देख सकते थे, रोक नहीं सकते थे और बड़ा कीमती चौका मिला है यहां पर ट्राइन के बल्ले से। ट्राइन की अच्छी फॉर्म चल रही है इस लीग में। कौन बिहार से है? लक्ष्मी ड्राइंग एकेडमी पूछ रहे हैं। चलें जी बताएं कौन कौन बिहार से हैं, आसाम, उत्तर प्रदेश से कौन है, जम्मू कश्मीर से कौन है, मद्रास, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली से कौन है, लिख डालिए जनाब। और इसी तरह कराची, लाहौर, सरगोधा, पिशावर, कोयटा से कौन कौन है जरूर लिख डालिए। दुबई से कौन है और इसी तरह यूरोप से अगर कोई साथ हमारे जुड़े हुए हैं तो वो भी जो है वो जरूर दिखा दिए। तो यहाँ पर अभी तक 8 रन बनाए गए हैं इस ओवर में और 49 गेंदों में 56 रन। सो बिहार से हैं जी, इनके क्लासेस सिट्रानो को आजमाया गया है। सिट्रानो अभी तक ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाई है और 11 गेंदों में 17 रन दिए उन्होंने। उत्तर प्रदेश से हैं अरुण गुप्ता। हाँ जी, ये जरूर बताना है आप लोगों ने कि आप कहाँ कहाँ से हैं। कोलकाता से कौन भाई हमें देख रहे हैं ये भी बताइए। 136 लाइक्स, तो ये इनिंग्स खत्म होने से पहले पहले हमें 200 लाइक्स पूरे करने हैं। कम ऑन बॉयज, दिस इज द टारगेट, ये टारगेट है हमारा, इसको पूरा करना है और इसको आप लोगों ने पूरा करना है और आई एम स्टिल होपफुल कि आप ये टारगेट हमारा पूरा करने में बिल्कुल हमारी मदद जरूर करेंगे। 200 लाइक्स पूरे करने हैं। 84 फॉर द लॉस ऑफ 3 आफ्टर 12। इस मौका पर हिबर्ट हुरिकेन ने जो रन्स बनाए थे उसकी तादाद 90।
तीन विकेटें दोनों टीमों ने इस मौके पर गंवाई हैं, जबकि 6 रन टीम विकेट हरिकेन्स आगे थी। लेकिन जब गार्डनर हैं आपके पास तो फिर कोई परेशानी दिक्कत नहीं है, बिकॉज एक ही ओवर में वो 18 से 20 रन वो बनाने की सलाहियत जरूर रखती हैं। सलाहियत की बात है, लगे ना लगे वो अलग बात है। सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो एबिलिटी है वो होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं इसको ऐसे समराइज करता हूँ कि बाबर आजम अगर विकेट पर मौजूद हों, आखिरी ओवर में 20 से 22 रन चाहिए हों, तो आसिफ अली मौजूद हों, ठीक है, तो आपका क्या ख्याल है कि आपकी नज़र, आपकी ख्वाहिश क्या कहेगी कि कौन से बैटर थे मंगवाएँ और रन्स बनाएँ? तो डेफिनेटली आसिफ अली, आप बाबर आजम। उस बात सलाहियत की हो रही है, तो विकेट आ गया है यहाँ पर। ये देखें, गार्डनर का विकेट चला गया है, अब मौका है यहाँ पर, स्मिथ ने उनको चलता कर दिया है। तो यहाँ पर एम एस स्मिथ जो लेग ब्रेकर हैं, बिल्कुल विकेट हासिल कर लिया है यहाँ पर। माय गॉड, शो एशली गार्डनर 24 रन बनाने के बाद, एलेक्स पैरी 24 रन बनाने के बाद आउट हो गई। सो 24 से आगे नहीं जा रही कोई भी बैटर। यहाँ पर एक और विकेट खोया है। सो अब मौका है हिबिट हरिकेन्स के पास के जल्दी से कुछ गेंदें डॉट करने के बाद जो है प्रेशर बिल्डअप किया जाए, और प्रेशर बढ़ जाएगा। संदीप कुमार बिहारी, कैसे हैं आप संदीप भाई? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। और 62 लाइक्स अभी भी प्यारे दोस्तों हमें चाहिए हैं 200 लाइक्स पूरे करने के लिए। कमन बॉयज, कमन लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट लाइक द वीडियो। सो गार्डनर गॉन, स्मिथ का दूसरा विकेट है। 8 गेंदों में 2 खिलाड़ियों को चलता किया है। बॉल सिंगल है। सुजी बेट्स एक और बड़ा नाम है। टीम बड़ी अच्छी है, सुजी बेट्स तजर्बाकार हैं, 36 साल उम्र है। पिछले मैच में 35 रन बनाए, फिर 27 बनाए, उससे पहले 8 बनाए, 18 बनाए, 10 बनाए। पहले ज़्यादा अच्छी फॉर्म नहीं थी, लेकिन आखिरी दो मैचेस में अच्छी फॉर्म है। सो अब उनको, उनकी टीम को ज़रूरत है उनकी। मिडल ऑर्डर में ये बैटिंग करती हैं और ऑलराउंडर के तौर पर टीम में खेल रही हैं। तो मैच्योर हैं, तो फिर उनको ये जिम्मेदारी जो है पूरी तरह से वो निभाने में कामयाब हो जाती हैं या फिर नहीं, तो देखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मौका ज़रूर है। हरिकेन्स के पास के कुछ गेंदें बाउंड्री के बगैर गुजार कर, क्योंकि अब बाउंड्री जब तक नहीं लगती है तो फिर आपका जो रिक्वायरिंग रन रेट है वो बढ़ता ही जाएगा। कि यहाँ पर सिर्फ 2 रन बनाए गए हैं इस ओवर में, और स्मिथ की जानिब से शानदार गेंदबाजी। अपील की गई है, एक और विकेट आ गया है। सो सुजी बेट्स गॉन, ओह माय गुडनेस, यहाँ पर स्मिथ का जादू चल रहा है। 9 रन के बस 3 खिलाड़ियों को चलता कर दिया है। कैन यू बिलीव दैट, दिस इज रियली हॉरिबल सीन फॉर सिडनी सिक्सर। एक ही ओवर में 2 विकेटें, 2 रन, सुजी बेट गॉन, एशले गॉर्डनर गॉन। सो ट्रायन पर एक दफा फिर आ गई है बात, क्योंकि ट्रायन ने पिछला मैच जितवाया था, 18वां मैच जितवाया था। तो यहां पर तारीफ करना पड़ेगी एम स्मिथ की, सिर्फ 18 साल उम्र है इनकी, छोटी उम्र है और ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है। 2004 में ये डार्विन में पैदा हुई। वाओ, 9 रन की बस 3 विकेटें चटका दी हैं उन्होंने, वंडरफुल। अभी भी 42 गेंदों में 54 रन, अब मुश्किलात बढ़ गई हैं भाई, अब मुश्किलात बढ़ गई हैं, बिकॉज आपके पास पिंच हिटर नहीं है। अब नई जो बैटर आई हैं वो मेथरीडा कार्मिकल हैं, और उनकी फॉर्म जो है वो देखते हैं, तो 9 रन हैं पिछले मैच में, 18 रन हैं, 14 रन हैं, 9 रन हैं, 30 रन जरूर बनाए उन्होंने, लेकिन वो लिस्ट ए के मैच में बनाए थे। सो इस लीग में फॉर्म विद द बैट ज़्यादा अच्छी नहीं है उनकी। ट्रॉइन पर तमाम तरदार मदार है, लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि एक एक डॉट बॉल जो है वो मुसीबत में इजाफा करता जाएगा।
45 गेंदों में 54 रन दरकार हैं। अगला बॉल है यहां पर स्ट्रानो से बॉलिंग जारी रखवाने के लिए कहा गया है और 2 रन मजीद हासिल किए गए हैं ट्रैन की जानिब से। चलो ट्रैन 88 फॉर द लॉस ऑफ 5 आफ्टर 13.2 ओवर्स। अशांत शर्मा दीज मैचेस आर फिक्स्ड सिंपल रनर बॉल टारगेट दे आर मैसेजिंग जे बीबीएल आईपीएल सब के लिए होते हैं। प्रशांत शर्मा ओके जी, प्रशांत शर्मा अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। तो यहां पर मुश्किलात ज़रूर पड़ चुकी हैं यहाँ पर सिडनी के लिए। अभी भी 50 रन चाहिए हैं, 38 गेंदे काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि पिंच हिटर जो बैटर्स हैं चॉइन एक ऐसी खिलाड़ी ज़रूर हैं जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और अब्दुल बाकी HHW विन तेलंगाना, लेट्स सी देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर, कौन सी टीम जीत जाती है। 91 for the loss of 5 after 13.5 overs. ट्रायन क्या फतह दिलवाती हैं अपनी टीम को या फिर क्योंकि अभी भी वहां पर 2 ओवर्स बाकी हैं जंग स्मिथ के। और ये चौका आया है, ये चौका ऐसे ही है जैसे तपते हुए सहरा में ठंडी हवा का झोंका, और इस चौके के बहुत ज़्यादा मानी हैं। तो 36 गेंदे बाकी हैं, ओवर खत्म हो चुका है, 36 गेंदों में 45 रन बाकी हैं। 95 फॉर द लॉस ऑफ 5 आफ्टर 14, सिडनी सिक्स स्टिल नीडिंग 45 रन इन 36 बॉल्स। तो एक अच्छा चौका यहां पर मैथलेटर की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्त जो काफ़ी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यही दुआ है हमारी आप लोगों के लिए। तो देखते हैं कि बॉल किसको तमाया जाता है यहाँ पर। 95 ऑन द बोर्ड फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इस मौके पर देखते हैं तो मुखालिफ टीम ने कितने रन बनाए थे, 101 रन बनाए गए थे और 4 विकेटें खोई थी विकेट हरिकेन्स ने। तो यहाँ पर 15वें ओवर का खेल, स्मिथ को दोबारा से बॉल तमाया गया है जिन्होंने अपने पहले ही 2 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेटें चटकाकर कमर तोड़ के रख दी है सिडनी सिक्सर्स की। और एक और चौका लगाया गया है यहां पर मैथलिडा की जानिब से। बड़े खूबसूरत 2 चौके पिछली 2 गेंदों में लगाए गए हैं उनकी जानिब से। और 100 कम्स अप फॉर टीम सिडनी सिक्सर्स, 40 रिक्वायर्ड इन 34 बॉल्स। अब जो है मामला क्लोज होता जा रहा है क्योंकि ट्रायन वहां पर मौजूद हैं और उनकी पार्टनर जो है उन्होंने 2 चौके लगाकर जो है वहां पर बताया है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है ट्रायन, आई कैन ऑल्सो हिट द बॉल हार्ड जस्ट आउट ऑफ द पार्क। तो 40 रन की दूरी है अब, एक और सिंगल जो है वो बनाई गई है यहां पर 32 गेंदों में 39। तो ट्रायन जो है ये कोशिश कर रही हैं कि अथरीडा जो है वो कुछ हिटिंग करती रहें और मामला क्लोज से क्लोज पर होता जाए। तो क्योंकि ट्रायन का विकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अहमियत हासिल कर गया है और उनका विकेट पर रहना बहुत इस बात की ज़मानत है कि टीम को उम्मीद लगी रहेगी।
तकला बॉल, वाइड बॉल आ गया है। स्मिथ जो कि अभी तक अच्छी बॉलिंग कर रही थी, पहले दो ओवर में सिर्फ 9 ही रन्स दिए हैं उन्होंने और 3 विकेटें चटकाई हैं, तो इस एक ओवर में अभी 5 गेंदों में उन्होंने 8 रन्स दे दिए हैं जिसमें चौका भी शामिल है, सो 8 ही रन्स पर ओवर खत्म किया है। 30 गेंदों में 37, 103 पे 5। तो देखते हैं कि बॉलिंग में कुछ बदलाव होता है। डेफिनेटली यहाँ पर आधी टीम तो चली गई है और आधी टीम का मतलब ये है कि टॉप जो बैट्समैन यहाँ पर जो पैरस थी, सरकर्दा बल्लेबाज जिसमें कारी हैं, सूजी बेट्स हैं, गार्डनर हैं, बर्न्स हैं, ये जा चुकी हैं। तो अब ये कुछ आखिरी उम्मीद जो है वो यहाँ पर लगा रखी है चौन से, और पैथलीटर ने बड़ा अच्छा साथ निभाया है। 6 गेंदों में 10 रन बनाए गए हैं उनकी जानेब से, लेकिन अभी काम तमाम नहीं हुआ है। 7 का फर्क ज़रूर है, 37 रन हैं, 30 गेंदे हैं, गेंदे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो विकटें लेना ही जो है वो यहाँ पर हर्बर्ट हर्किन्स के लिए जो है वो कामयाबी की जमानत हो सकता है। 1 विकेट अगर और चटकाया जाता है यहाँ पर, पहली गेंद पर 2 रन बना लिए गए। ग्राम से बॉलिंग जारी रखवाने के लिए कहा गया है जिन्होंने अभी तक 1 विकेट चटकाया है और पहले दो ओवर में सिर्फ 10 रन किए हैं उन्होंने, तो विकेट की मतलाशी है टीम कैप्टन हर्बर्ट हर्किन्स। इस वक्त जो रियल टाइम विन है, सिडनी सिक्सर 82% फेवरेट है ये मैच जीतने के लिए, लेकिन यू नेवर नो, अगर विकेट गिरता है यहाँ पर तो ये पांसा पलट सकता है, खासतौर पर ट्राइन का विकेट। Who will win? कौन जीतेगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप। चले जल्दी से बताइए कौन सी टीम जीतेगी। 16वां ओवर चल रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी कमेंट्री पसंद आ रही है, तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, वीडियो को लाइक जरूर करना है यारो। और अगर आप नेक्स्ट भी हमारी कमेंट्री सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं आपको याद करवा रहा हूँ। तो 4 रन बनाए गए हैं अभी तक पहली 3 गेंदों में। परी चौधरी कहते हैं इस ओवर में पक्का विकेट है मिस्टर देवा हरपूर। ओके ठीक हो गया, ले जनाब विकेट आ गया है और यहां पर आउट हो गई हैं चौन। ग्राम ने उनको चलता कर दिया है। सो सिडनी सिक्सर विल बी इन डीप ट्रबल राइट नाउ। ये देखिए एकदम से जो रियल टाइम विन है वो 56 पर आ गया, 18 से 56 पर आ गया है हर्बर्ट हर्किन्स के लिए, ऑलमोस्ट 50-50 कर लो यार। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर हर्बर्ट हर्किन्स जो है वो फेवरेट है और 42-52 ये होना चाहिए, क्योंकि अब देखते हैं कि नई बैटर जो है वो कौन आती हैं। जी बिल्कुल आपने ठीक ही कहा था, बहुत शुक्रिया आपका। तो मैथलीडा जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और अब ये काम मुश्किल लग रहा है। हालांकि 26 गेंदें बहुत ज़्यादा गेंदें हैं, 33 रन हैं, लेकिन 6 विकेटें चली गई हैं। अच्छा आगाज फ्राम किया था, पहले ही ओवर में छक्का लगाया गया था पारी की जानिब से, फिर चौका लगाया गया था, 24 रन बनाए गए थे उनकी जानिब से तेज़ी के साथ, लेकिन आउट हो गई। और उसके बाद एक्चुअली गार्डनर्स ने अच्छा साथ निभाया, लेकिन 24 रन बनाने के बाद वो भी आउट हो गई, तो 18 रन बनाने के बाद चौन का विकेट जो है वो गिरा है। और नए जो बैरर आई हैं कैटी मैरी पीले हैं, कैटी मैरी पीले
जो है वो इनका ताल्लुक बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया से है और छोटी उम्र है, 2006 में पैदा हुई, 17 साल इनकी उम्र है। विकेट कीपर के तौर पर ये खेलती हैं और एक और विकेट चला गया है। LBW आउट आते ही यहां पर क्रैम ने उनको भी चलता किया है। सो विकेट नंबर 7 गॉन। अब जो है दो गेंदे पहले जो रियल टाइम विन आ रहा था सिडनी के लिए वो ह्यूबर्ट के लिए आ रहा है, यानी कि 88-12, ठीक है। सो दिस इज द क्रिकेट, रंग बदलती हुई यहां पर खेल क्रिकेट। 32547 हमारे सब्सक्राइबर्स की तादाद हो चुकी है और 32548 32549, ये तीन भाइयों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी की बहारों के मज़े लेते रहिए। बिल्कुल जी, 32549 और उससे पहले 548 547, ये तीन बहन या भाइयों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। बिल्कुल 32550 का इंतज़ार किया जा रहा है, जल्दी से आ जाइए आप भी और चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए। 32550 कौन है, देखते हैं कौन भाई जो है वो आकर ये चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ओवर नंबर 17 शुरू हो चुका है और अब 23 गेंदों में 33, अब मुश्किल है यहाँ पर स्मिथ जिन्होंने तीन विकेटें चटकाई हैं, क्या एक और विकेट लेने में कामयाब हो जाएंगी। 3.2 ओवर्स में उन्होंने 18 रन दिए हैं और तीन विकेटें चटका ली हैं। तो बिल्कुल जनाब यहां पर वेट किया जा रहा है 32549 के बाद 32550, यानी कि 32550वां सब्सक्राइबर हमारा कौन होगा, अभी देखते हैं। और यहां पर एक और डॉट बॉल सिंगल के बाद, सॉरी वाइड बॉल, जी वाइड बॉल आया है। तो 31 from 22, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद तीर कमान से निकल चुका है। पेरिसन को भेजा गया है, कैथी पेरिसन। पेरिसन जो है वो कुछ बल्ले के साथ तो अच्छा नहीं है, सिर्फ एक ही 17 रन उन्होंने बनाए हैं, बाकी 6 4 2 1। तो आज के दिन में देखते हैं क्या करती हैं। सब्सक्राइबर्स की तादाद 32549 550 का इंतजार है। आसिफ भाई की कमेंट्री सुपर से भी ऊपर है। अब्दुल बाकी भाई थैंक यू सो वेरी मच। और क्या कहा था, दोनों विकेट गए हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही है और विकेटें जो है वो गिर रही हैं यहाँ पर। सर अभी तक सिर्फ 2 ही रन यहाँ पर स्मिथ की जानिब से शानदार गेंदबाजी। वाओ, शी बोल्ड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अप टू द मार्क एंड दिस मैच गॉट 3 विकेट्स फॉर 9 रन्स इन द बिगनिंग। तो सिर्फ 3 रन्स पर ओवर खत्म किया है स्मिथ ने, स्मिथ का कोटा मुकम्मल हुआ है और 4 ओवर में 20 रन 3 विकेटें। वाओ, क्लैपिंग होनी चाहिए जी जंग स्मिथ के लिए। सिडनी को रन चाहिए हैं 30, मतलब कि 10 रन पर ओवर के हिसाब से चाहिए हैं, सब ये काम मुश्किल हो गया है। और कुछ बिग हिट्स चाहिए हैं यहाँ पर, कम से कम 13-14 का एक ओवर जो है वो चाहिए है, जिसमें कम से कम एक छक्का एक चौका हो। छक्का तो मस्ट है, अब छक्के के बगैर रन नहीं बनने वाले। तो क्या यहाँ पर पेरिसन या फिर मैथोलिडा जिन्होंने 2 चौके लगाए हैं मजीद कुछ हिटिंग कर सकती हैं, या फिर मुखालिफ जो गेंदबाज हैं उन पर ब्रेक लगाने में कामयाब रहती हैं। तो 2 कीमती रन्स बनाए गए हैं यहां पर। ओह माय गुडनेस, मिस फील्डिंग और यहां पर बाउंड्री के पार बॉल चला गया है 4 रन्स के लिए। तो बड़ा कीमती चौका है ये, क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और प्रेशर में होगी मध्य मुकाबल टीम,
क्योंकि बोर्ड पर ज्यादा रन है नहीं। तो वेलकम बाउंड्री, तपते सहरा में ठंडे हवा के झोंके की माने तो ये चौका है। इस्माइल को बॉल थमाया गया है जिन्होंने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की थी, 3 ओवर में सिर्फ 15 ही रन दिए थे। साउथ अफ्रीका नेशनल टीम की ये खिलाड़ी हैं और ओवरसीज खिलाड़ी हैं। तो सिंगल बना लिया गया है और मैथिलीडा अब सामना करेंगे। सो पेरेसन ने ये बताया है कि शी कैन हिट द बॉल हार्ड और 16 गेंदों में 25 रन, व्हाट अ मैच। एक छक्का जो है वो बिल्कुल सुपर्ब कमेंट्री सालहीन, थैंक यू सो वेरी मच। एक छक्का बिल्कुल यक्सर तस्वीर को चेंज कर देगा, रियल टाइम विन को चेंज कर देगा यहां पर। लेकिन अगर चौका भी लग जाता है तो भी बात ठीक हो जाएगी। बॉल इन द एयर एंड देखना पड़ेगा यहां पर चौका, बिल्कुल यहां पर मैथिलीडा ने तीसरा चौका लगा दिया है। होप्स आर स्टिल अलाइव, उम्मीद जिंदा रखी है अपनी टीम की। बड़ा कीमती चौका, 3 गेंदों में दूसरा चौका है ये। तो व्हाट अ मैच, 21 स्टिल रिक्वायर्ड इन 15 बॉल्स। 15 गेंदे बहुत ज्यादा है भाई यहां पर और 21 रन जो है वो बाकी हैं। सिडनी सिक्सर्स या फिर ह्यूबर्ट हरिकेन, हु विल विन। हर टीम की तैयारी है जीत की, क्योंकि ये जीत की बाजी है, जीत की बाजी है। देखते हैं जीत की बाजी कौन अपने नाम करता है। लीडर की तारीफ करना पड़ेगी, 3 चौके लगा दिए 10 गेंदों में। पेरिसन ने भी खूब साथ निभाया है, चौका लगाकर उन्होंने इंटेंट शो किया है कि वो मैच खत्म करने आई है। तो यहां पर अगला बॉल है और तो फील्डिंग का जायजा लिया गया है और एक और चौका। What a shot that is really! फील्डर सिर्फ गेंद को जाता वो देख सकते हैं, कथन रोक नहीं सकते। बॉल विंस द रेस 4 रन के लिए। इस्माइल, ओह माय गॉड, बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी इस्माइल ने, 3 ओवर्स में 15 रन दिए थे, 13 रन दे दिए यहां पर, 4 गेंदों में 3 चौके खाए हैं और बिल्कुल रियल टाइम विन ये देखें एकदम से चेंज हो गया है। 14 गेंदों में 17। व्हाट अ मैच, व्हाट अ क्रिकेट, दिस इज रियली हियर वी गो वंस अगेन। इस्माइल वाइड बॉल, दिस इज अंडर प्रेशर, दिस इज प्रेशर एंड शी इज अंडर प्रेशर ऑफ कोर्स। 124 फॉर द लॉस ऑफ 7, वी आर जस्ट इन द 18th ओवर, 14 रन्स फ्रॉम फर्स्ट 4 बॉल्स। वाओ, तो कभी मैच उधर है, थोड़ी देर पहले 2 ओवर पहले सिडनी जो रियल टाइम विन था 88% था, और मतलब उसके बाद जो है ह्यूबर्ट हरिकेन्स 88% हो गया, अब दोबारा से 80% हो गया सिडनी। 14 गेंदों में 16, अब तो रन अ बॉल है भाई, अब तो चौका नहीं चाहिए, छक्का नहीं चाहिए, लेकिन चौका छक्का लगा तो बात तमाम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। डॉट बॉल आया है, सुपर मैच, सुपर कमेंट्री, थैंक यू सो वेरी मच अब्दुल बाकी भाई। तो यहां पर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमें वेट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए, क्योंकि 32550 का इंतजार है, 32549 हो चुके हैं, 550 कम ऑन बॉय, जल्दी से आ जाइए। चौकला बॉल है यहां पर, सिंगल आया है। सो आखिरी 12 गेंदों में 15 रन चाहिए हैं, 15 रन चाहिए हैं। स्मिथ बॉलिंग कर चुकी हैं, इस्माइल के ओवर खत्म हो चुके हैं, महंगा ओवर उन्होंने किया है, 15 रन दिए हैं इस ओवर में और मोहाली टीम को मौका दे दिया है दोबारा से मैच जीतने का। तेरी बॉल किसको तुमाया जाता है यहाँ पर, जो ओवर बाकी हैं उनके हवाले से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ओवर जो है वो किस किस का बाकी है। सेटरानो का ओवर बाकी है, ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी नहीं की उन्होंने। क्वारी का एक ओवर बाकी है, ग्राम का एक ओवर बाकी है। तो मेरा ख्याल है कि ग्राम जिन्होंने 3 विकेटें चटकाई हैं यहाँ पर, ये ओवर उनका बनता है और
क्योंकि अगर किसी और को ओवर दिया गया तो शायद उसमें ही काम तमाम हो जाए। सो ग्रैहम, मेरा ख्याल है बॉल ग्रैहम को तमानी चाहिए। राजकुमार साही जीतेगा। ओके, इस ओवर में विकेट है लास्ट बॉल पर। ग्रैहम को बॉल थमाया गया है जिन्होंने डॉट बॉल किया है, क्योंकि जितने कम रन्स वो देंगी इस ओवर में उतना ही प्रेशर जो है वो बढ़ेगा और उतना मौका होगा इनकी गेंदबाज के लिए ओवर बचाने का। 3 विकेटें 14 रन्स के बस, कमाल की गेंदबाजी ग्रैहम की जानिब से। एक और सिंगल जो है वो जरूर बनाया गया है यहाँ पर। हीट ग्रैहम जो है ये बिल्कुल राइट और मीडियम फास्ट बॉलर है, ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है और 10 गेंदों में 14, एक चौका या छक्का लगा तो काम वैसे ही तमाम हो जाएगा। सो बाउंड्री के बगैर जो है वो बॉलिंग करनी पड़ेगी अब यहाँ पर ग्रैहम और उनकी जो नेक्स्ट ओवर में बॉलिंग करने के लिए आएंगी बॉलर, देखते हैं कौन होंगी वो। एक और सिंगल 9 गेंदों में 13, गेम ऑन है। गुड बॉलिंग बाय ग्रैहम। एक और सिंगल, वेरी गुड बॉलिंग, बिल्कुल भी अलो नहीं कर रही कि उनके खिलाफ हिट लगाया जाए। 2 गेंदें बाकी रह गई हैं और अगर इन 2 गेंदों में एक डबल एक सिंगल आ जाता है तो फिर भी 9 रन्स बच जाएंगे, लेकिन चौका छक्का आया तो फिर काम तमाम हो जाएगा। सलेक्सी पेरसन हिट करने की कोशिश जरूर करेंगी, लेकिन सिंगल की इजाजत दी गई है ग्रैहम की जानिब से। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग बाय ग्रैहम, जस्ट अंडर प्रेशर, लेकिन अपने हिसाब पर काबू रखा है। कमाल की गेंदबाजी जो है वो चल रही है। जो बिल्कुल जबरदस्त मैच चल रहा है यहां पर। 7 गेंदों में 11 रन्स, गेम ऑन है। होप्स आर स्टिल अलाइव, हु विल बी द विनर, देखना ज्यादा दूर नहीं है। एक और सिंगल, 5 गेंदों में 5 सिंगल्स, तो यहां पर 10 रन्स चाहिए हैं। जल्दी से लिख डालिए बनते हैं या नहीं, यस आर नो, सिर्फ यस और नो लिखिए। यस का मतलब होगा बन जाएंगे, नो का मतलब है नहीं बनेंगे। कम ऑन, जल्दी से अपना अपना कमेंट जो है वो लिखिए, क्योंकि आखिरी ओवर है, इसके बाद मैच खत्म हो जाएगा। और उससे पहले आपको बिल्कुल यहां पर कमेंट जो है वो जरूर लिखना है। लीजिए, एक और भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, 32550, वेलकम करते हैं आपको खुली बाहों के साथ, हंसते हुए चेहरे के साथ। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। Thank you so very much for subscribing my channel 32550. Stay blessed. क्या होगा राजकुमार, आप बताइए क्या होगा, ये आपने बताना है। आखिरी ओवर है और नो यस चल रहा है यहाँ पर। और ओवर जो है कैरी का एक ओवर रहता है बिल्कुल, और इसके अलावा स्ट्रानो का एक ओवर रहता है, पहले कैरी के साथ जाना चाहिए। लेकिन सिट्रानो को बॉल थमा दिया गया है जिनको 26 रन्स बने हैं, तो ज्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं की उन्होंने। और पहली बॉल ये देखें, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि कैरी को बॉल देना चाहिए था, क्योंकि कैरी जो है उन्होंने 3 ओवर में 19 रन्स देकर एक विकेट हासिल की है, लेकिन जो है यहाँ पर सिट्रानो को ओवर दिया गया है, 3 ओवर में उन्होंने 26 रन्स देकर ये चौका भी हो गया, कोई विकेट नहीं हासिल किया। सो वाई नॉट कैरी, कैरी से कैरी क्यों नहीं किया गया। हेलो नो कौशल लोहार, कैसे आप, ठीक ठाक हैं। तो चौका लगाया गया है यहां पर, 5 गेंदों में 6 सिंगल बनाई गई है। तो सेट्रानो का ओवर मेरे हिसाब से नहीं था बनता। बरल अख्तर कासमी, इस्लामपुरा, बशारतपुर, कुपागंज मू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे आप, ठीक ठाक हैं। So, यहां पर 4 गेंदों में 5 रन्स हैं। सो कैरी से ओवर नहीं करवाया गया, ये एक बड़ा सवाल है। 3 ओवर्स में 19 रन देकर एक विकेट हासिल किया था, तो 3 ओवर में 26 रन देकर कोई विकेट नहीं, तो उनको ओवर दिया गया है। 3 ओवर में 26 जिन्होंने खाए हैं यानी कि सेट्रानो को, उनको ओवर दिया गया है। तो चले देखते हैं, गेम ऑन है। 4 गेंदों में 5 रन, एक हिट की दूरी है सिंगल। सो मैंने पहले भी बताया कि जब चौका या छक्का आएगा तो काम वैसे ही तमाम हो जाएगा।
तो तीन गेंदों में चार रन चाहिए हैं। जबरदस्त बैटिंग यहां पर मैथिलीडा की जानिब से, तारीफ करना पड़ेगी मैथिलीडा की, जबरदस्त। पांच और भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, 3255055255255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 5
अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। हंसते रहें, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी में ऐसे ही कामयाबियों के सफ़र जो है वो जारी रखें, और हमें प्यार जो है वो आपका ज़रूर चाहिए है और हमें प्यार मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का। दो गेंदों में दो रन चाहिए हैं, मैट लीडा व्हाट अ बैटिंग। और यहाँ पर बिल्कुल भी मैं ये समझता हूँ कि कैप्टन चूक गई हैं, अगर कैरी से बॉलिंग करवाई जाती तो शायद रन्स फिर भी बन जाते, लेकिन मतलब आपको कैरी के साथ जाना चाहिए था। टोरंटो की अच्छी बॉलिंग नहीं रही आज। हाय कौशल लोहार जी, जी बोलिए जनाब, बोलिए क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। तो छह लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वेलकम करते हैं आपको, खुशामदीद कहते हैं। और ले जनाब बात आखिरी बॉल पर आ चुकी है, क्या सुपर ओवर होने वाला है, क्या सुपर ओवर होने वाला है या फिर फैसला हो जाएगा इसी गेंद पर। पेरिसन सामने है, सेटरानो क्या एक डॉट बॉल करने में कामयाब हो जाएंगी या फिर पेरिसन यहां पर सिंगल लेने में कामयाब हो जाएंगी। व्हाट अ मैच! अगर आपको मैच का मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आइए और अपनी राय का इजहार कीजिए, क्या सुपर ओवर है या फिर विन है, जल्दी से लिख डालिए यस या फिर नो, सुपर ओवर के लिए यस, नहीं तो नो, लिख डालिए जल्दी से। कमाल का मैच है यहां पर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्त अखबार का जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। आखिरी बॉल है, सिंगल, सिडनी विंस बाय 3 विकेट। माय गॉड व्हाट अ थ्रिलर! आखिरी गेंद पर फैसला हुआ है, क्या बात है यहां पर, कमाल की बल्लेबाजी मैथ्यू रेड की जानिब से। 21 गेंदों में 32 रन बनाए, 5 चौके लगाए गए उनकी जानिब से। पैरी 24 रन बनाने के बाद आउट हो गई, गार्डनर 24 रन बनाने के बाद आउट हो गई और ट्रॉयन 19 रन बनाने के बाद आउट हो गई और इसके अलावा सूजी बेट्स जल्दी आउट हो गई। लेकिन तमाम तर क्रेडिट मैं देना चाहूंगा मैथ्यू रीडर को जिन्होंने यहां पर असाब पर काबू रखा, 21 गेंदों में 32 रन बनाए। सिडनी सिक्सर्स वुमेन 1 बाय 3 विकेट्स, व्हाट अ विन, ड्रामेटिक विन आई वुड लाइक टू सी। तो बाकी जनाब आप सभी दोस्त जो हमारे साथ जुड़े हुए थे लगातार हमारा साथ निभाते रहे हैं, आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आप लोगों के लिए दुआ है हमारी जानिब से। और अगर आपको हमारी कमेंट्री अच्छी लगती है तो फिर दोस्त अहबाब को व्हाट्सएप में हमारा लिंक ज़रूर भेजिए ताकि वो हमारी कमेंट्री को सुनने के बाद ये फैसला करें कि इस चैनल पर आना है या फिर नहीं आना है। बाकी आप लोगों की जो आप लोगों का जो साथ है उसकी हमारे पास कीमत नहीं है, हम सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकते हैं। और बिल्कुल जनाब, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव इन योर लाइफ, इन योर डूइंग्स, हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।